आ जाएगा। देखो होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड टू चार्ज कंटिन्यूस चार्ज बॉडी, पहले इसमें ये समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वाली बात मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, लेकिन कुछ मशीन की धोखा होने की वजह से अपन करते। कंटिन्यूस बॉडी का मतलब क्या है आपका, कि इट इज नॉट अ पॉइंट चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज नहीं है आपके पास में। अब पॉइंट चार्ज ना होने का क्या मतलब है ये भी समझ लो। तो पॉइंट चार्ज जब होता था तो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे क्यों रखा है, तो इससे कुछ डिस्टेंस पे आपका कोई पॉइंट है यहाँ पे। अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी तो मैं क्या लिखता था आपका, सिंपल के क्यू बाय आर स्क्वायर रख देता था। और दिक्कत वाली बात यह है कि अब आपकी बॉडी थोड़ी बड़ी होगी, कंटीन्यूअस बॉडी है तो बड़ी बॉडी वो कैसे हो सकती है, 2D 3D 1D कैसे हो सकती है। अगर मैंने रखा तो इसमें चार्ज क्या है, पूरे में चार्ज फैला हुआ है। इसमें क्या है आपका, पूरे में चार्ज फैला हुआ है। अब दिक्कत यह है, जब पूरे में चार्ज फैला हुआ है और मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कितना होना चाहिए पी पर, तो अब निकालने की दिक्कत आ रही है कि आप डिस्टेंस कौन सा लोगे, आर कौन सा लोगे, ये प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम ये निकालने में आती है, ये समझने में आती है कि सर क्यू कौन सा लूंगा। चलो मैं एक बार क्यू आपको दे दूं, लेकिन क्यू पूरे में फैला हुआ है। तो हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में, ऐसे सवालों की एक ही टेक्निक होती है, हम बोलते हैं कि सर आर मतलब यहाँ से इससे हम आर दूरी पे आते हैं जहां से हमें निकालना है, और यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। ये मैंने एलिमेंट बनाया आपके सामने, आपने बहुत बड़ा सा बना रखा है, इसको हम बोलते हैं वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट, इसको हम बोलते हैं आपका स्मॉल एलिमेंट। अब इस स्मॉल एलिमेंट में क्योंकि पूरी बॉडी की बॉडी चार्ज थी, तो इसके ऊपर एक छोटा सा चार्ज भी होगा, तो इसको हम बोलते हैं आपका चार्ज और स्मॉल एलिमेंट, बोल दिया। अब उसके बाद क्या होता है आगे, उसके बाद ये होता है आपका आगे कि भाई अब करना क्या है। तो ये छोटा सा डी क्यू है, इसको हम ऐसा ट्रीट करते हैं, ऐसा ट्रीट इट एज पॉइंट चार्ज, इसको हम पॉइंट चार्ज की तरह मान सकते हैं क्योंकि बहुत छोटा सा होता है, स्मॉल एलिमेंट है। तो अब मैंने बोला कि एक स्मॉल सा चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहाँ पे, और उसकी दूरी, अब तो ये दूरी तो मैं ले सकता हूँ बड़े आराम से, हाँ ले लिया। और ये डी क्यू चार्ज है, जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी सी निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी, वो निकल के आएगी के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। अब दिक्कत ये तो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी, अगर मुझे बड़ी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इंटीग्रेशन करना होगा। और इंटीग्रेशन साथ एक दिक्कत ये तो बड़े आराम से आ जाएगा, यहाँ से ई निकल के आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ दिक्कत होगी क्या सर, नीचे आपने आर लिखा हुआ है, इंटीग्रेट आप क्यू के टर्म्स में कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इस क्यू को एज अ फंक्शन ऑफ आर रखना पड़ेगा, या फिर डी क्यू को एज अ फंक्शन ऑफ आर निकालना पड़ेगा, उसको उठा के आप यहाँ रखोगे, उसके बाद फिर आप इसको आराम से इंटीग्रेट करते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो अब हम करने क्या वाले हैं, अब हम यही करने वाले हैं कि आपका कोई भी बॉडी लेंगे, अब बॉडी भी तीन तरह की होती है और उसमें हमें डी क्यू निकालना होगा सबसे पहले। कहा अब बॉडी किस किस तरह की होती है, तो दुनिया में तीन तरह की बॉडी है, ठीक है, 1D बॉडी है, 2D बॉडी, 3D बॉडी है, ठीक है। अगर कोई बॉडी और उसी हिसाब से आपकी चार्ज डेंसिटी डिफाइन होती है, ये वाली चीज मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, वापस समझा रहा हूँ। तीन तरह की चार्ज डेंसिटी होती है आपकी, एक को हम बोलते हैं आपका लेमडा से, एक को बोलते हैं हम सिग्मा से, और तीसरे को बोलते हैं हम रो से। चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा सरफेस या ए सरफेस चार्ज डेंसिटी या प्लेनर चार्ज डेंसिटी। सरफेस सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोल देंगे हम, कभी कभी बल्क बोलते हैं, या बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, ठीक है। फर्क क्या हो जाएगा सर, लैम्डा हो जाता है आपका चार्ज, लैम्डा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है, और सिग्मा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, चार्ज अपॉन एरिया, और आपका रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो ये वाली चीजें हैं जो आपको आगे काम आएंगी, ये क्यों निकालेंगे हम, इस डी क्यू को निकालने के लिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे अभी थोड़ी देर समझ आ जाएगा। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, कूलम पर मीटर क्यूब। कभी कभी क्या होता है आपको बताता नहीं है, कभी कभी क्या होता है आपको सवाल बताता नहीं कि कौन सी डेंसिटी की बात कर रहा है, आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा है कि सरफेस की बात कर रहा है, तो आप उसको यूनिट से पहचानोगे, वहां पे यूनिट देगा तो आप ऑटोमेटिकली पहचान जाओगे किसकी बात कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं आपके पहले वाले बॉडी से, शुरू करते हैं आपकी पहली बॉडी से, जिसका नाम हो जाएगा, बहुत इजी तरीके से पढ़ना हो, एक और बात हमें प्रूफ नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। मैं एक दो का प्रूफ समझाऊंगा, मैं प्रूफ आपको समझाऊंगा सबका, लेकिन आपको डीप में कोई प्रूफ नहीं पढ़ना है, पहली बात तो ये दिमाग में रखो। कोई ये सोच के आ रहा हो कि भाई सारे प्रूफ करेंगे, नहीं, टाइम वेस्ट है प्रूफ करना। हाँ, वो प्रूफ करना कैसे है, कैसे उसकी वैल्यू आती है, वो मैं सब डीप में और अच्छे से और प्यार से समझाऊंगा, लेकिन प्रूफ इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट फॉर यू, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला जो कि हम करने वाले हैं। आज कम से कम 5 से 7 फॉर्मूले हम यहाँ पे लिखेंगे एट द एंड ऑफ द क्लास, वो सातों के सातों फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए बिल्कुल जुबान पे, क्योंकि सीधे सीधे कभी तो आपसे कई बार तो हुआ है कि भाई फॉर्मूला पूछ लिया सीधे सीधा, तो वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए पहली बात, और दूसरी बात पता होना चाहिए आपको कि उन फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे करना है, मतलब किस तरह की सिचुएशन है, क्या है उन फॉर्मूलों के अलावा क्या क्या पूछते हैं, वो सारी चीज। तो फर्स्ट जो चीज बच्चों हम करने जा रहे हैं वो है आपका कंटीन्यूअस बॉडी में, इट इज यूनिफॉर्मली 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 चार्ज
कभी कभी रॉड बोलता है, कभी कभी बार बोल देता है, बार भी बोलता है कभी शब्द कभी रॉड, ठीक है, ऑफ लेंथ एल, ऐसे तो बोल रखा है क्या आपके पास में एक यूनिफॉर्मली चार्ज बार है, लेंथ है, उसकी इसकी लेंथ दे रखी होगी कुछ एल, इसकी लेंथ मान लो कुछ दे रखी होगी आपको एल दे रखी है। अब तुम लोग दिमाग लगा के बता सकते हो अगर यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है तो रॉड कैसी होती है, रॉड की सिर्फ लेंथ होती है, रॉड में कोई मोटाई पतलाई नहीं होती वरना वो प्लेट बन जाएगी। तो वो इस तरह की है आपकी, मैं मोटा बना रहा हूँ उसको ताकि आपको दिखाई दे, बस मोटा बनाने का कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वैसे मोटा बनाने की जरूरत है नहीं, पर बस सुन सुन लो ये इस तरह की होगी कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस जगह पर जो डेंसिटी काम आने वाली, इस जगह पर जो डेंसिटी आपकी काम आने वाली वो कौन सी डेंसिटी होगी, यहाँ पे जो काम आने वाली डेंसिटी होगी वो होगी आपको लैम्डा। सवाल में कई बार सिर्फ ये लिख देगा ऑफ चार डेंसिटी, ये दे रखा होगा यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ एल ऑफ चार डेंसिटी लैम्डा, और साथ में देगा यूनिट, तो आप अपने आप पहचान जाओगे कि ये आपका किसके बारे में बात कर रहा है, ये आपके लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा है। अब सुनो सवाल में पूछा गया कैसे, सवाल में इस तरह के दो तीन सवाल बनते हैं, इस तरह एक सवाल नहीं बनता है, आपका इस तरह की रॉड है जिसके ऊपर क्या है लैम्डा कूलम पर मीटर का इस पे चार्ज फैला हुआ है इस तरह से, और इसकी लेंथ आपको दे रखी है, आपको इसकी लेंथ क्या दे रखी है, आपको लेंथ इसकी दे रखी है एल, तो इसकी लेंथ क्या दे रखी है आपको एल, ठीक। अब इस सवाल को दो तरीके से पूछता है, क्या किस तरीके से पूछता है, सुनो दो दो केस बनते हैं यहाँ पे, टीचर अलग अलग केस किससे पढ़ाते हैं पर वो है एक्चुअली दो केस, और दो के दोनों केस अलग अलग हैं। अब सुनो कैसे होते हैं दो केस, मैं बोल दूंगा इस तरह बोल दूंगा कि मान लो एक पॉइंट आपका यहाँ रखा हुआ है, आप पॉइंट को कहाँ रख दो इस वाली लाइन, ये लाइन हो जाएगी, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा अलोंग द लेंथ ऑफ बार, ये वाली लाइन क्या कहलाएगी अलोंग द लेंथ ऑफ बार या रॉड कुछ भी बोल दो। तो मान लो वो पॉइंट यहाँ पे रखा है, एक पॉइंट यहाँ पे रखा है पी वन, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, तो इस पे कैसे निकालेंगे देखेंगे। दूसरा है कि भाई ऐसी ही रॉड है और मैंने अब पॉइंट कहीं किसी भी जनरल पॉइंट ऐसे मतलब परपेंडिकुलर लाइन पे किसी भी पॉइंट यहाँ पे आ गया पी टू, अब मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इस लाइन को मैं क्या बोल दूंगा, दिस लाइन इज लाइन परपेंडिकुलर, लाइन परपेंडिकुलर टू द बार या लाइन। तो ये दो तरह के सवाल बनते हैं यहाँ से कि कब आपकी वो परपेंडिकुलर रखी हुई है, कब आपकी वो अलोंग द लेंथ ऑफ द बार रखी है, तो इसमें सवाल भी पूछे जाते हैं। अब हम इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है, इन दोनों क्या करेंगे हम अलग अलग पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो पहला वाला केस लेके चलते हैं, पहले वाले केस में हम क्या कर रहे हैं आपका दैट हम केस वन मान के चल लेते हैं, और केस वन में हम क्या कर रहे हैं कि आपका पॉइंट इज ऑन द लाइन अलोंग द लेंथ ऑफ द बार, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब ये जो हम करने जा रहे हैं इसका फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, इसका फॉर्मूला याद नहीं करना है, एक तरह से सवाल है, ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, एक सवाल है, सवाल की तरह आपसे पूछा जाएगा। हाँ एक्सिलर इक्वेटोरियल, बिल्कुल सही बात है, एक्सिलर इक्वेटोरियल शब्द का हम इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक्सिलर इक्वेटोरियल शब्द जो होता है ना जनरली हम उसको इस्तेमाल करते हैं डायपोल में, एक्सियल और इक्वेटोरियल शब्द का इस्तेमाल हम जनरली डायपोल में करते हैं, यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है। अब सुनो अगर ये तरह का सवाल आ जाएगा, इस तरह का सवाल आ जाएगा तो कैसे करना होगा ध्यान देना। तो पहला ये सवाल है याद रखना, ये पहली बात मैं क्या बता रहा हूँ, एक तरह का सवाल है, इसको फॉर्मूला याद नहीं करना आपको, ठीक है। कोई बोला होगा एक्सियल इक्वेटोरियल में क्या फर्क होता है, सुन लो, तो एक्सियल तो ये जो लाइन है ना आपकी, इसको हम एक्सियल बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम इक्वेटोरियल नहीं बोलते, इसको हम इसलिए मैं इक्वेटोरियल और एक्सियल का शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि इक्वेटोरियल आपकी सेंटर से जाती है, ये सेंटर से नहीं जा रही, ये कहीं भी जनरल लेंथ से जा रही है, ठीक है। अब सुनो केस वन क्या हो जाएगा, पॉइंट इज ऑन द लाइन अलोंग द लेंथ ऑफ द बार, मतलब सवाल करना है जो डायग्राम आपको बना हुआ उसी डायग्राम का मैं इस्तेमाल करता हूँ फिर से, और देखो यहाँ पे मैंने क्या कह दिया आपका इस तरह से, ये सवाल याद रखना, ये सवाल के फॉर्म में आएगा, आपको फॉर्मूला याद हो जाए बहुत अच्छी बात, और मैं इसको ये नहीं कहता आपको फॉर्मूला याद करना है क्योंकि अगर आप आपको कंसेप्ट समझना है यहाँ पर, अगर कंसेप्ट समझ गए तो फॉर्मूला तो आप निकाल ही लोगे, इस तरह इतने फॉर्मूले जो फॉर्मूले याद करने वाले होंगे मैं उनको ऑटोमेटिक बताई दूंगा। यहाँ पे आपका पॉइंट रखा है पी और आपको इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस जगह पे कितनी होगी, अगर आपको बाकी सारी चीजें क्या दे रखी है, बाकी सारी चीजें दे रखी है कि आपको इसकी लेंथ दे रखी है, आपको इसकी लेंथ दे रखी है एल, ठीक है। इसका मैं प्रूफ करूंगा बच्चों इसका, क्योंकि मैं इसको ऐसा क्वेश्चन ट्रीट कर रहा हूँ, अगर आप क्वेश्चन ट्रीट करोगे तो आप इसको मैं क्वेश्चन को सॉल्व ही कर रहा हूँ, और एक आध क्वेश्चन तो आपको करना आना चाहिए क्योंकि ईजी भी है ज्यादा हार्ड भी नहीं है, तो क्वेश्चन की तरह करेंगे इसको। सुनो अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे लेंथ एल दे रखी है, अब इस सवाल को कैसे करेंगे, सबसे बड़ा है कि इसका लैम्डा कूलम पर मीटर दे रखा, क्या करेंगे। तो मैंने क्या कहा था, जो मैंने तरीका समझाया था उसी तरीके को इस्तेमाल करूंगा, मैं क्या बोलूंगा सर ये पूरी कंटिन्यूस चार्ज बॉडी है, कंटिन्यूस चार्ज बॉडी है, तो
तो पूरी बॉडी पे चार्ज फैला हुआ है, तो मैं कोई एक डिस्टेंस नहीं चुन पा रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा आपका, और मैं वो क्यों करूंगा जो आपने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, क्या कि मैं पॉइंट पी से आपके किसी भी जनरल पॉइंट, कहीं भी बीचों बीच, मैं ये नहीं बोला सेंटर पे, कहीं भी जहां आपका मन करे, इसको छोटा करना है छोटा कर लो, उसको बड़ा करना है बड़ा कर लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई भी आपको क्या किया, आपने किसी भी जनरल पॉइंट पे इसको यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि सर आपने वहीं क्यों लिया। यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, मैं ऐसे बोलता हूँ उसको कि देखो बच्चों, अच्छा एक और बात, ये डिस्टेंस भी आपको दे रखा होगा, ये जो डिस्टेंस है आपको, एक सेकंड, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी आपको दे रखा होगा। मान लीजिए डिस्टेंस, कोई किताब एक्स लिखती है, कोई किताब ए लिखती है, कोई किताब पी लिखती है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि बस कुछ दे रखा होगा, ये ए डिस्टेंस दे रखा है। तो क्या बोलेगा, पॉइंट इज ऑन द लाइन लाइन अलोंग द लेंथ ऑफ द बार एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम वन एंड, किसी एक एंड से ए डिस्टेंस पर है। तो मैं क्या करूंगा अपना, जो मेरा सवाल वापस लौट के आता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, सर एक काम करते हैं, आप एक्स पे जाके, मैं एक्स ही को ले रहा हूँ क्योंकि लीनियर है, एक्स पे जाके डीएक्स का एक एलिमेंट लूंगा, वही वाली बात जो मैंने आपको समझाई थी, डीएक्स का एक एलिमेंट ले लिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात, मजा आ गया, समझ गए डीएक्स का मैंने क्या लिया, एक एलिमेंट लिया, ये इंटेंशन का है। इससे आसान से सवाल में समझ जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा सवाल कैसे करते हैं इसके। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब बात यह है सर कि सवाल कैसे करना है, सुनो, डीएक्स का एलिमेंट ले लिया मैंने, क्या कहा था, सबसे मेन मुद्दा काम है कि आपको इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज निकालना है। ये क्या हो गया आपका स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, इसका आपको चार्ज निकालना है। चार्ज कैसे निकालूंगा, तो साफ सी बात है, यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है, और चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ बताया था मैंने, फॉर्मूले से भी वही दिख रहा है, मतलब ऐसे ही यूनिट से भी वही दिख रहा है, अपॉन लेंथ। अब मुझे किसका चार्ज निकालना है, इसका चार्ज निकालना है, इसका चार्ज क्या मान लिया मैंने, dq मान लिया, लेंथ कितनी है dx, तो क्या इस केस में मैं लिखता हूं लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dx, बहुत सिंपल टर्म से बता रहा हूं। तो यहां से dq क्या निकल के आ जाएगा सर, dq निकल के आएगा आपका लैम्डा इनटू dx। सबको समझ में आया कि नहीं आया, ये किसी को कोई दिक्कत, ये dq कैसे निकाला, और dq मैंने dx के टर्म्स में क्यों निकाला, इसलिए निकाला ताकि मैं जब इंटीग्रेशन करूंगा तो उसमें x निकल के आएगा, तो मैं x के साथ इंटीग्रेशन कर पाऊंगा। ठीक, वही सारी चीज कर रहा हूं जो मैं आपको स्टार्टिंग में समझा चुका हूं, कोई भी नई चीज नहीं आ रही यहां पे। अब आगे की बात करते हैं, तो देखो आगे क्या करेंगे अपन, तो देखो यहां पे अगर ले ले अपन, आगे क्या सॉल्व करेंगे, सुनो आ गया, आगे क्या बोलेंगे सर, हम बोलेंगे अब सर मैंने क्या बोला था कि स्मॉल एलिमेंट को दिखाया बड़ा है, पर स्मॉल एलिमेंट कैसा काम करता है, पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है। ये पॉइंट चार्ज आपका कितने दूरी पर है पी से, सर ये मेरा एक्स दूरी पर है, कि मेरा कितनी दूरी पर है सर, मेरा x दूरी पर है। ठीक है, अगर x दूरी पे एक पॉइंट चार्ज रखा है जिसके चार्ज की वैल्यू है dq, अब पॉइंट चार्ज का तो मैं जानता हूं कितना होता है सर, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होती है छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, DE इज इक्वल टू आप लिख सकते हो क्या, kq / r², तो dq छोटा चार्ज / r², ये लिख पाओगे आप आराम से। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट इंटीग्रेशन करने से पहले मैं dq को हटाना चाहूंगा, क्योंकि dq को मुझे x, सॉरी यहां पे x लिख दूंगा मैं, क्योंकि x है ना यहां पे, r² तो फार्मूला होता है, तो यहाँ पे मैंने डी को क्या करूंगा, डी को रख दूंगा लैम्डा डी एक्स रख दूंगा अपॉन एक्स पे। अब तुम आराम देख सकते हो, यहाँ भी एक्स, अब लगा दो सर इंटीग्रेशन का साइन, अब लगा दो क्या इंटीग्रेशन साइन, तो मैं दोनों तरफ लगाता हूँ इंटीग्रेशन, दोनों तरफ लगाता हूँ इंटीग्रेशन। अब समझो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जिसमें बच्चे गलती कर जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जिसमें गलती कर जाते हैं, वो है लिमिट। तो इसमें तो कोई सोचना नहीं है, लिमिट क्या जीरो से ई होगी यहाँ पे, तो इसमें कोई सोचना नहीं है, यहाँ पे सोचना है लिमिट क्या होती है, इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं हायर लिमिट, मतलब दोनों जगह रखना आपको एक्स ही है। ये लोअर लिमिट मतलब x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी और x की मैक्सिमम, या x की शुरुआत वाली वैल्यू क्या होगी और x की वैल्यू एंड क्या होगी। तो बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं सुनो, तो बात ये है कि ये लिखा क्या है सर, ये लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस बार। अब जहां से बार शुरू होगी तुम वहीं से तो x स्टार्ट करोगे अपना, हाँ सर, मतलब इसमें जो तुम्हें x की लोअर लिमिट रखनी है वो वही तो रखोगे जहां से बार तुम्हारी स्टार्ट हुई है और जहां तक बार तुम्हारी खत्म हुई है उसकी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से आ रही है। तो यहाँ पर x तुमने स्टार्ट कहा सर, x तो स्टार्ट तो मैंने यहाँ से किया था, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है जीरो है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है सर, यहाँ पे x की वैल्यू है a, देख रहे हो ना, यहाँ पे x ये a आ गया फिर a, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी आपकी a प्लस l हो जाएगी, क्योंकि टोटल लेंथ l है और ये a है a प्लस l। अब मुझे यहाँ पे लिमिट क्या रखनी है, कुछ बच्चे यहाँ पे जीरो रखते हैं, जीरो नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि आपका जीरो तो ये पॉइंट है ना, यहाँ पे रॉड तोड़ना है, रॉड कहाँ से स्टार्ट हुई सर, रॉड तो x इक्वल टू a से स्टार्ट हुई है, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा आपकी लोअर लिमिट x इज इक्वल टू a से, और हायर लिमिट मतलब कहां तक रॉड है, तो रॉड जा रही है मेरी a प्लस al तक। सबको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कि मैंने जो लिमिट रखी, लिमिट अगर गलती कर दी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर गलत कर दे, वो लिमिट समझ में आई कि नहीं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ठीक है, मैं इसी सवाल में आपको ये लिमिट लिमिट करके बता रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, नीट IIT और फालतू एग्जाम जितने भी हैं,
सब पूछा गया। आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या मेरी? आवाज फ्रस्ट्रेट हो रही है, थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है मे बी, थोड़ा सा ना लैपटॉप में प्रॉब्लम चल रही है आजकल। पहले मैंने मेरे एक स्टूडेंट ने जिसका नाम निखिल है उसने मुझे लैपटॉप दे रखा था अपना, मैं उसको यूज कर रहा था अच्छे से, तो इट वॉज नॉट बींग अ प्रॉब्लम, नया लैपटॉप था उसका, बट अब उसको थोड़ा काम पड़ गया अपने घर में, तो ऑब्वियसली वो अपना लैपटॉप लेके गया। अरे हाँ यार इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है, चलो बीच बीच में आवाज आएगी पर हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। चलो एक काम करते हैं, देखते हैं सही हुआ कुछ। चलो जल्दी कनेक्ट हो जाओ, चलो देखते हैं बीच में अगर हमारा आवाज आवाज अब साफ आ रही है या अब भी खराब है। अब बोलो आवाज आ रही सबको? अब आवाज आ रही है कि साफ साफ? चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या हो गया x equal to a, लिमिट सबको समझ में आई कि नहीं आई? लिमिट सबको समझ में आई है कि नहीं आई, जल्दी बता दो पहले तो। ठीक है सर, डी क्यू स्मॉल चार्ज है तो डिस्टेंस dx नहीं लेंगे? नहीं, देखो इस डी क्यू के अंदर की लेंथ है dx, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज से दूरी की निकालते हैं। इस चार्ज की जैसे फॉर एग्जांपल कल को एक चार्ज पॉइंट चार्ज है, अब उस पॉइंट के अंदर क्या क्या हो रहा है मुझे उससे क्या मतलब है? वो पॉइंट कितना दूर है किसी पॉइंट से मुझे उस डिस्टेंस से मतलब होता है ना। मतलब कल को जैसे मैं फोर्स था, ये फोर्स, ये दो पॉइंट है बड़े बड़े, ठीक है, इनके अंदर कितनी दूरी है उससे मुझे क्या मतलब है? अगर मुझे फोर्स निकालना है तो फोर्स इस बात पर डिपेंड करता है ना कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है। तो आपके पॉइंट से उस पॉइंट चार्ज की डिस्टेंस की दूरी पर डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स, ना कि इस बात पे कि आपका, ना कि इस बात पे कि आपका वो कितना है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, सॉरी उसकी मोटाई कितनी है, चार्ज कितना मोटा है उससे को मतलब नहीं है। मतलब ये कि चार्ज कितना दूर है उस पॉइंट से उस पर डिपेंड करता है ये। अब मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन सबको सॉल्व करना आता होगा, ठीक है, मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन सबको सॉल्व करना आता है। इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई माइनस जीरो आ जाएगा, यहाँ पे के और लैम्डा कॉन्स्टेंट है, ठीक है, के और लैम्डा कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे क्या है 1/x²dx। अब इतना ईजी इंटीग्रेशन तो आई होप कि सबको आना ही चाहिए। के लैम्डा नहीं आता तो तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारे लिए कभी एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन वाली क्लास ले लूंगा अभी एक्स्ट्रा दिन, तुम्हारा मन होगा तब। और यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या लगेगा 1/x निकल के आएगा। लिमिट क्या थी आपकी? लिमिट थी x इक्वल टू a से x इक्वल टू a प्लस l तक, ठीक है। और यहाँ पे क्या रख दूंगा मैं, ठीक है, मैं कभी किसी इंटीग्रेशन क्लास ले लूंगा, इंटीग्रेशन या किसी और चीज क्लास ले लूंगा आपका, ठीक है, पर बाद में कभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू a से x इक्वल टू, अब क्या करना होता है आपको सीधे सीधे इसमें वैल्यू पुट करनी है, पहले बड़ा वाला फिर बाद में छोटा वाला। इस माइनस को बाहर ले लेता हूं मैं तो ये निकल के आ जाएगा, बाकी लोगों का तो आंसर आ भी चुका होगा। यहाँ पे बचेगा आपका 1/a + l - 1/a, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करना है, बच्चा बच्चा सॉल्व कर लेगा इसको। माइनस के लैम्डा इसको रखोगे आप यहाँ पे a, और यहाँ पे रख कुछ गलती कर दी क्या, बिल्कुल बेसिक, हाँ बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स क्लास के अंदर आता है, हाँ ये बात तो सही है आपकी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, a रखूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रखूंगा आपका माइनस, माइनस रखूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस l आ जाएगा, डिवाइड बाय a इंटू a प्लस l आ जाएगा। दोबारा माइनस मतलब, हाँ दोबारा माइनस, ये वाला माइनस, हाँ मैंने क्या किया, ये वाला जो माइनस था ना इसको बाहर रखा है अभी, इसको अंदर नहीं रखा मैंने, इसको बाहर रखा है। तो जो अपना चलता है ना ये माइनस ये होता है, आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें आप रखो x = a + l - a x = a, ऐसे रखते हैं अपन। बाकी थोड़ा सा वो दिक्कत मैं समझ रहा हूँ आपकी, उसकी दिक्कत है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सॉल्व होके, तो आपका सॉल्व होके क्या आएगा, सॉल्व होके अब सुनो, अब यहाँ पे सॉल्व होके क्या है, e = - k लैम्डा - l डिवाइडेड बाय a इंटू ए प्लस एल, और साफ सीधी बात है ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, के लैम्डा एल अपॉन ए इंटू ए प्लस एल, दिस विल बी योर फॉर्मूला। फॉर्मूला याद नहीं करना है, फिर से बोल रहा हूँ याद नहीं करना है, ये आपका आंसर, इसको एक क्वेश्चन की तरह लग के चलो। आई होप कि सबको समझ में आया, समझ में आया सबको, पहली बात तो ये बताओ जल्दी से समझ में आया कि नहीं आया, बोल जाओ जल्दी से, आया कि नहीं आया, जल्दी बोल जाओ, जल्दी बोल जाओ, जल्दी बोल जाओ। नहीं आया तो बाद में वीडियो देखकर समझ सकते हो, खैर उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, बस अभी समझ में आना चाहिए, यही बात है, ठीक है। बाकी तो आप बाद में अच्छे से देखना, वीडियो में प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें आप देख लोगे समझ में आ जाएगा। चलो
ठीक है। अब केस टू याद है, ये तो केस वन था ना, क्या था आपका केस वन? तो केस वन ये हुआ करता था कि मैंने क्या किया, अपने पॉइंट को यहां पे रखा है, अब दूसरा केस है पॉइंट यहां पे रखता हूं, ठीक है। अब एक काम करूंगा, इसको रॉड को लिटा के नहीं देखूंगा, रॉड को खड़ा करके देखूंगा, इस तरह से रॉड के सामने पॉइंट रखूंगा, थोड़ा देखने में डायग्राम अच्छा बनता है, तो डायग्राम में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आएंगी, सुनो। उसका प्रूफ बच्चों अच्छा खासा बड़ा है, इसलिए पूरा प्रूफ करना मेरे को सेंसिबल नहीं लगेगा, ठीक है, पूरा प्रूफ करना सेंसिबल नहीं है। आप सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे, पर हाँ कैसे आएगा वो फॉर्मूला ये देखेंगे अपन, फॉर्मूला आएगा कैसे वो देख लो अच्छे से। केस टू अपन कर रहे हैं, क्या केस टू अपन कर रहे हैं ये, एक सेकंड लिखी दूं मैं उसको, टाइप ही कर दूं, जल्दी टाइप होता है, कि पॉइंट इज ऑन अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रॉड या जो भी बार है, ठीक। आपका जो पॉइंट है वो कहाँ रखा है आपका, इट इज ऑन अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रॉड और बार। अब मैं वो लाइन को हॉरिजॉन्टली बना रहा हूँ, वर्टिकल बना रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बार को मैंने हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल बना रहा, तो सुनना इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इसका फॉर्मूला आपको याद करना होगा, इसलिए सुनो। प्रूफ फिर से बोल रहा हूँ, प्रूफ इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, प्रूफ इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट वॉट इज इंपॉर्टेंट इज कि भाई उसका फॉर्मूला क्या आता है और कैसे आता है वो समझो, तो कैसे भी क्यों, क्योंकि उसमें आपको जरूरत पड़ेगी, बाद में मैं पूछूंगा कैसे आया है, एक सेकेंड, ठीक। तो इस तरह से मैंने वो बार बना दी आपकी 1D की, वापस से आपको क्या दे रखा होगा इसका, वापस से आपको इसका दे रखा होगा लैम्डा दे रखा होगा, लेंथ दे रखी है। अब सुनो मैंने क्या बोल दिया कि मैंने किसी भी जनरल पॉइंट पे, ये जनरल पॉइंट है आपका, इस तरह से किसी भी जनरल पॉइंट पे मैंने आपका यहां से कोई भी जनरल पॉइंट, मतलब बीचों बीच कहीं भी, मतलब सेंटर पे नहीं है पर हाँ कहीं भी, क्योंकि अगर आपने कहीं जनरल पॉइंट पे निकाल दिया फिर तो आप बीच में भी निकाल ही लोगे, इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं। अब सुनो ऐसे बोल रखा है, ये लेंथ पूरी एल है, किसी भी जनरल पॉइंट पे मैंने यहाँ पे पी पॉइंट ले लिया, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने आपका, यहाँ पे आपका मस्त वाला पी पॉइंट ले लिया, इस पी पॉइंट मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, समझना अच्छा सवाल है। अब मुझे देख क्या रखा होगा, सवाल में जनरली जो चीज देखी दी जाती है वो क्या क्या होगी, वो होगी कि इस टॉप एंड का और इस पी के साथ में कितना एंगल बन रहा है, ठीक है, और दूसरी चीज क्या देखोगी, नीचे वाले एंड से कितना बन रहा है, तो मुझे सब कुछ इस बार थीटा में सब कुछ सॉल्व करना होगा, ध्यान देना। मुझे क्या बता रखा होगा सवाल में, कि ये वाला एंगल ऐसे दे रखा होगा, मान लो क्लॉकवाइज दे रखा है, ये वाला एंगल कैसे दे रखा होगा आपको, इस तरह से दे रखा है क्लॉकवाइज, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या दे रखा है, इसका फॉर्मूला मानो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, थीटा वन दे रखी है, ठीक है। ऐसे दूसरा एंगल नीचे की तरफ होगा क्योंकि नीचे जा रहा है, तो उसको मैंने ऐसे दे रखा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको थीटा टू दे रखी है, तो सवाल में आपको थीटा वन देगा, थीटा टू देगा इस पॉइंट, और प्लस आपको देगा इस पॉइंट की यहां से दूरी, इस पॉइंट की यहां से क्या दूरी है, ये दूरी है। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, तो सुनो इस सवाल को करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, डायग्राम समझ में आ गया अच्छे से, मैं डायग्राम ये वापस बनाऊंगा थोड़ी देर बाद में, पर उस टाइम जब बनाऊंगा तो सिर्फ फॉर्मूला समझाऊंगा, फॉर्मूला लिखूंगा साथ में, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं इसमें फॉर्मूला डिराइव कैसे करूंगा, थोड़ा सा हार्ड है पर हाँ समझ में आ जाएगा ये मेरी गारंटी, पर थोड़ा सा दिमाग आपको जरूर लगाना पड़ेगा। सुनो मैं क्या करूंगा इस केस में, सर एक अपन ये काम करते हैं, यहाँ पे से लाइन है ना ये इस डी वाई लाइन को हम रेफरेंस देते हैं, इस वाली डी वाई लाइन को हम रेफरेंस देते हैं, और मैं बोलता हूँ यहाँ से मैं वाई पे जाके, मैंने क्या कहा कि मैं वाई पे जाके डी वाई का एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ, वाई पे जाके डी वाई का एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ, जो डी वाई का छोटा सा एलिमेंट है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है मेरा, डी वाई का एक एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब इस डी वाई का चार्ज कितना हो जाएगा, तो चार्ज निकालने का तो वही फंडा है, जब लैम्डा आपको दे रखा है, मैक्स लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू चार्ज अपॉन लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, लेंथ हो जाएगी आपकी डी वाई दैट डी वाई, तो यहां से आपका छोटा सा चार्ज कितना निकल के आ जाएगा, छोटा सा चार्ज आएगा लैम्डा डी वाई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम किसी को होनी नहीं चाहिए, चलो ये बात अच्छे समझ में आ गई। मैं ये बता रहा हूँ कि प्रूफ कैसे करना है, अगर किसी कोई भी बच्चा बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो प्रूफ करने में तो कर लेना अपने आप से, पर इसके प्रूफ की फिर से बता रहा हूँ जरूरत नहीं है, जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसके कुछ रिजल्ट निकल के आएंगे थोड़ी देर बाद में वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, तो सुनना। तो ये बोल दिया ये डी का परपेंडिकुलर है, अब ध्यान दो, अब मैंने बोला सर इस जनरल पॉइंट की मुझे इस पॉइंट पे क्या निकालना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मुझे इस पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा सर, मुझे क्या ये वाली डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, मुझे किस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, मुझे इस वाली डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, हाँ सर इस वाली डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। अब मैं मान लेता हूँ ये वाला डिस्टेंस बनाया है मैंने, ये वाला डिस्टेंस बनाया तो डायग्राम खराब होगा, इसलिए प्लीज ध्यान देना, कहीं भी मिस होगा तो गलती हो जाएगी, ये इस टाइम पे थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है सर। तो बच्चों आप सब जानते हो अगर ये पूरी पॉजिटिवली चार्ज रॉड है तो जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकल के आएगा, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकल के आएगा, क्या उसका जो डायरेक्शन होगी, क्या उसकी जो डायरेक्शन होगी, क्या
क्या वो इसकी लाइन के अलोंग क्या इस तरफ होगी? बिल्कुल होगी सर, ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्ट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा, ये क्या निकल के आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा इस पॉइंट पे, बिल्कुल आ जाएगा। पर इसको मैं छोटा डी लिखूंगा, छोटा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आप निकाल रहे हो छोटे से एलिमेंट की वजह से निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो आप छोटे से एलिमेंट की वजह से निकाल रहे हो, तो इसका आप डी लिख सकते हो। चलो सर ये बात भी हमको अच्छे से समझ में आ गई। आगे बताइए सर, आगे के हालात जरा कुछ ऐसे हैं कि सर अब बात दरअसल एक प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है इसमें कि सर एक सेकेंड, मेरी दो दो छपड़ी दिखाई दे रही होंगी ना अब आपको, अब मेरा लैपटॉप ठीक हो गया दूसरा वाला, ये ना जब बीच में काम खराब करके ठीक होते हैं ऐसी चीजें, किसी अब आजकल किसी का भरोसा नहीं कर सकते आप, लैपटॉप का भरोसा नहीं करते आज के टाइम पे। तो सुनो डी, तो बात दिक्कत की है हमारे लिए डी के साथ एक दिक्कत हो रही। क्या सर? बात ये है कि अगर मैं इस पी पॉइंट को यहां ले लेता तो यही डी ऐसे निकल के आता, क्योंकि आप फिर यहां से ऐसे पॉइंट लेते ना। हाँ सर, अगर मैं यहां लेता बीचों बीच तो ऐसे निकल के आता, अब मैं यहां लेता तो ये आपका कुछ ऐसे निकल के आता, तो हर जगह पे क्या हो रहा है, हर जगह पे आपके डी की डायरेक्शन लगातार चेंज कर रही है। आपके डी की डायरेक्शन क्या हो रही है बच्चों? इट इज चेंजिंग ऑटोमेटिकली और अगेन एंड अगेन इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। अगर आप थोड़ा सा भी पॉइंट को ऊपर नीचे लेके जाते हो तो आपके डी की क्या है, आपकी डायरेक्शन चेंज कर रही है। अभी मैं एक एक्स्ट्रा ज्ञान देने वाला हूँ, इस एक्स्ट्रा ज्ञान की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है, पर पता होता है तो बड़ी फील अच्छी आती है, वो आपको जरूरत नहीं है, वो बहुत हायर मैथमेटिक्स की बात है। वो क्या है सुनो, कभी भी किसी भी इंटीग्रेशन की एक खतरनाक चीज है, वेक्टर इंटीग्रेशन में हम आप लोग अभी किसी काम का नहीं, लेकिन ये पता हो तो बहुत अच्छी बात है, कुछ बच्चों को पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। वेक्टर इंटीग्रेशन में एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे अगर कोई भी वेक्टर लिखा है और इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो, अगर कोई वेक्टर लिखा है इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो एक कंडीशन होनी चाहिए उसकी, क्या कि इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर बात यह है, वेक्टर के पास दो चीज होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। इंटीग्रेशन ये बोलता है कि आप एक बार में एक ही चीज को इंटीग्रेट कर सकते हो, या तो आप मैग्नीट्यूड को इंटीग्रेट करो या डायरेक्शन को, आप एक बार में दोनों चीज कभी नहीं एक साथ इंटीग्रेट कर सकते। तो अगर आपको इंटीग्रेट करना है किसी वेक्टर को और उसका मैग्नीट्यूड इंटीग्रेट करना है, हम तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं ना, हम हमेशा मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, के डी क्यू बाय, अभी डिस्टेंस में लिखूंगा वो, तो मैग्नीट्यूड लिखा मैंने, डायरेक्शन थोड़ा लिखी मैंने। तो मैथमेटिक्स ही बोलती है अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो या तो आप मैग्नीट्यूड का करो या आप डायरेक्शन करो, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। और अगर दोनों आपको एक साथ करनी है तो उसके लिए आपका डायरेक्शन कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए, डायरेक्शन हमेशा सेम बनी रहनी चाहिए हर पॉइंट पे। अगर किसी पॉइंट पे आपकी डायरेक्शन चेंज हुई तो आप उस पॉइंट पे इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अब यही प्रॉब्लम डीई के साथ, ये एक्स्ट्रा ज्ञान था, अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रूफ से मतलब नहीं है। सुनो इसके साथ दिक्कत क्या हो रही है, तो दिक्कत ये हो रही है जब मैं इसको यहां लेता हूं तो साइन ऐसे आता, जब यहां लेता तो ऐसे आता, जब और नीचे आता हूँ तो ऐसे ऐसे चेंज होता रहेगा, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, तो लगातार डीई की डायरेक्शन चेंज कर रही है। और क्योंकि मैं जानता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मेरा वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है, क्योंकि आर को जैसे जैसे चेंज करोगे, एक्स को जैसे चेंज करोगे, आपका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी ऑटोमेटिकली बार बार चेंज हो रही है। तो इस वजह से दिक्कत क्या हो रही है कि आपका डीई की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, तो उसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। लेकिन सर आंसर तो इंटीग्रेट करके ही निकालना था, आंसर का तो हम बाद में इंटीग्रेट करने वाले, तो मतलब हम डीई का इंटीग्रेट नहीं करेंगे। अच्छा सर डीई का इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो किस चीज का इंटीग्रेट करेंगे? तो सुनो पहले मैं डीई लिख लेता हूँ, तो सुनो मुझे इस पॉइंट का निकालना है, ये कितना है, ये वाई है, ये कितना है, डी है, तो इस वाले ये जो इतना सब बात है, क्या इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये तो हर किसी को समझ आ रहा होगा ना, ये ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ये बेस, ये हाइपोटेनस, और ये सॉरी ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। अब मुझे क्या है, यही तो डिस्टेंस है पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है, आपका वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, उसका स्क्वायर करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर निकल के आ जाएगा। मैं आपको उस पॉइंट तक ले जाकर छोड़ दूंगा जिस पॉइंट तक आपको इंटीग्रेशन करने करना। देखो मैं आपको फिजिक्स समझा रहा हूँ, मैं आपको फिजिक्स जहां पे एंड होगी वहां तक छोड़ दूंगा, उसके बाद इंटीग्रेशन आपका काम है, ठीक है, वो ज्यादा हार्ड नहीं है पर इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, उसके बाद से हम फॉर्मूला देख लेंगे। अब सुनो तो सर इस चीज से बचने के लिए क्या करेंगे, एक सेकंड रुकना, इस चीज से बचने के लिए क्या करेंगे, हाँ तो ये लिखेंगे, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हो कैसे लिखा। अब सुनो आगे क्या करते हैं, आगे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे एक लाइन मैंने ऐसे बना दी, ये कौन सी लाइन है, ये वही लाइन है जो आपकी, ये कौन सी लाइन है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द बार, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द बार, ठीक है,
तो इस तरफ मैंने इलेक्ट्रिक, इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और एक और ले लो, इसको मैंने लिख दिया, ये कौन सी लाइन है, दिस लाइन इज पैरेलल टू द बार, दिस लाइन इज पैरेलल टू बार। तो मैं क्या करूंगा, इस डी के दो कंपोनेंट लूंगा, एक ऐसे, लेकिन सर कंपोनेंट लेने के लिए मुझे एंगल भी तो पता होना चाहिए कोई, तो एंगल पता है ना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल यहां से लेगा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो इसका एक कंपोनेंट एस निकल के आएगा, डी का एक कंपोनेंट एस निकल के आएगा, और वो कंपोनेंट क्या होगा, वो कंपोनेंट होगा आपका डी, डी मैं उसको बोल रहा हूँ डी परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, डी पैरेलल बोल रहा हूँ मैं इसको, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा हो जाएगा। अब तक बताओ, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है पूरे सवाल में तो बताओ जल्दी से, अभी तक अगर किसी को थोड़ी मोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है तो बताओ जल्दी से, क्योंकि इसके आगे मैं चीज अब मैथमेटिक्स में एंटर करूंगा, मैं इसके बाद मैं एंटर करूंगा मैथमेटिक्स में, फिजिक्स खत्म हो चुकी है, अब मुझे थोड़ा सा मैथमेटिक्स की जरूरत है, अब मैं मैथमेटिक्स में एंटर करूंगा। बताओ इतना समझ में आ गया सबको, जल्दी बोल जाओ, जल्दी बोल जाओ, जल्दी। नो सर, अबे नो क्या लिख रहे हो, एक सेकंड में देख रहे हैं। आकाश को समझ में नहीं आया है, सुमायला को समझ, क्या समझ नहीं आया था, पहले रोकना था ना, क्या समझ नहीं आया, क्या बात समझ नहीं, ये लिखो। अच्छा आकाश ने लिखा नो सर, अच्छा नो सर लिख रहे हो, इस कोई डाउट नहीं है, समझ गया समझ गया समझ गया, समझ में आ रहा है ना, अबे यस लिखा करो, मैं कुछ और पूछा करूं, तो अगर तुम्हें डाउट हो तो लिखा करो नो, अगर डाउट ना हो तो लिखा करो यस, ठीक है, ताकि मुझे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये आ गया, अब बात क्या होती है, अब सारा कंसेप्ट है, क्या मैं डीई परपेंडिकुलर निकालने को निकालूंगा, अब मैं इनको इंटीग्रेट कर सकता हूं, मैं डीई पैरेलल को इंटीग्रेट कर सकता हूं, मैं डीई परपेंडिकुलर इंटीग्रेट कर सकता हूं, क्यों कर सकता हूं सर ऐसा, ऐसा इसलिए कर सकता हूं कि तुम चाहे पॉइंट यहां लो तब भी ये परपेंडिकुलर ऐसे निकलेगा, चाहे पॉइंट यहां लो तब भी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो हमेशा ऐसे रहेगा ना, कंपोनेंट तो एक ही डायरेक्शन में आएगा ना, इसीलिए आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट और आपके पैरेलल कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर सकते हो, इसीलिए इस केस में हम कभी भी डीई को डायरेक्टली हम वो नहीं करते, मतलब इंटीग्रेट नहीं करते, और डीई परपेंडिकुलर और डीई पैरेलल को करते हैं। अब सुनो आगे खेल, आगे खेल क्या बोलता है आपसे, एक सेकंड, हाँ आगे हम, मेरा काम है पहले तो इस डी को निकालना, पहले डीई निकाल लेता हूं, क्या है सुनो, तो डी क्या निकल के आया तुम्हारा, एक सेकंड, हाँ सही, तो डी तुम्हारा क्या निकल के आया, डी निकल के आया तुम्हारा के डी क्यू अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। पहला काम तुम ये करो कि यहां से डी क्यू क्या है, इस डी क्यू को, डी क्यू क्या निकल के आया था सर, डी निकल के आया था लैम्डा डी वाई, तो पहले तो तुम ये काम करो कि यहाँ पे लैम्डा डी वाई रख दिया, चलो बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, अच्छी बात है, पर दिक्कत ये है कि पूरा क्वेश्चन तो आपका थीटा में चल रहा है, देख रहे हो ना, यहाँ पे थीटा आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है, लेकिन यहाँ तो वाई आ रहा है, तो आपका दूसरा काम क्या है, आपका दूसरा काम क्या है, इस वाई को, इस डी वाई को हटाना और कुछ थीटा के टर्म्स में लेके आना, क्योंकि फाइनल फॉर्मूला हम थीटा के टर्म्स में याद करते हैं, फाइनल फॉर्मूला हम थीटा के टर्म्स में याद करता है, वो कैसे आएगा सोचो, तो मैंने जो ट्रायंगल बनाया हुआ है, ध्यान दो, मैंने जो ट्रायंगल बनाया हुआ है आपका, ऐसे सुनो, इस पी पॉइंट के साथ में, तो ये क्या है, ये वाई है, हाँ सर ये वाई है, ये क्या है सर, ये थीटा है, ये क्या है, ये सर आपने डी ले रखा है, चलो बहुत बढ़िया, और ये क्या है आपका, ये है आपका वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट, ठीक है बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ क्या मैं यहां से टेन लिख सकता हूँ, टेन थीटा, अभी मैथमेटिक्स चल रही, समझो पहली बात तो समझो, ये मैथमेटिक्स है, यहां से क्या हो गया, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर रूट डी टेन थीटा। मैं सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दिक्कत ये है कि आंसर निकालना है थीटा में, लेकिन यहाँ तो वाई वाई आ रहा है, तो वाई को हटाना है, मैं क्या करता हूँ, दोनों को साइड पर डिफरेंशिएट करता हूँ, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, दोनों साइड डिफरेंशिएट करता हूँ, डी तो कांस्टेंट डिस्टेंस है, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, डी थीटा, ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा डी वाई। अब मैं क्या करूंगा, इस डी वाई को यहाँ पे पुट करूंगा, इस डी वाई को पुट करूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। अब एक और बात आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ से एक और बात समझ में आ रही होगी कि मैं यहाँ से एक कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा सर, कॉस थीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो डी अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब कुछ बोल रहे होंगे आप क्या कर रहे हो, तो एक सेकंड रुक जाओ, अभी समझ में आ जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूं, मान लो स्क्वायर करता हूं दोनों साइड, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बात बोलोगे सर कर क्यों रहे हो, कर क्यों रहा हूं, अभी थोड़ी देर, एक सेकंड में समझ आ जाएगा, जिस बच्चे को प्रूफ याद होता है वही कर पाता है। अब सुनो यहां से, तो मैं यहाँ पे मेरी मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगी और इसके बाद फिर आपका काम होगा। तो यहाँ से जब मैं डी लिखना चाहता हूँ, तो डी क्या लिखूंगा सर, के लैम्डा लिख दिया, तो कॉन्स्टेंट से कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पे डी वाई। अब एक काम करता हूँ मैं इसी वाले इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मैं इंटू डी स्क्वायर कर देता हूँ, डिवाइड बाई डी स्क्वायर कर देता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अब तुम्हें दिखेगा, मैं क्या करता हूँ, डी स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, डी स्क्वायर डिवाइड किया, क्यों किया, एक सेकंड रुक जाओ बस। अब इसको
डी स्क्वायर अपॉन वाई डी स्क्वायर को, डी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को मैं यहां से क्या रख सकता हूं आपका, मैं यहां से रख सकता हूं आपका कॉस स्क्वायर थीटा रख सकता हूं इसको, ठीक है। और dy को मैं क्या लिख सकता हूं, dy को यहां पे देखो सर, dy तो ये लिखा, तो dy को मैं क्या रख सकता हूं आपका d into sec square theta। तो finally जो de निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, k lambda dy को क्या रख दिया मैंने, d sec square theta और साथ में d theta, यहां पे d square by y square plus d square को क्या लिख दिया मैंने, वो लिख दिया मैंने cos square theta, और नीचे क्या बचा है आपका, नीचे बचा है आपका d square, इस d से एक d कट गया, ये sec square theta और एक cos square theta एक दूसरे को उल्टे होते कट जाएगा, तो फाइनली आपका d क्या निकल के आएगा सर, फाइनली d निकल के आएगा k lambda d theta by d निकल के आएगा, ये निकल के आ गया आपका d। किसी को कोई प्रॉब्लम तो जल्दी बोल जाओ, मतलब यस करना, क्या सबके समझ में आया, क्या सबके समझ में आया d कैसे निकाला है, मैथमेटिक्स है, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये मैथमेटिक्स है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ठीक है। चलो सिर्फ आकाश अर्सी और सुमाले जवाब दे रहे हैं, बाकी लोग अभिषा जी, चलो अंशा जी ने बोला, बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया उनको, पेन उठाने मतलब मोबाइल उठाने में उनको शर्म आ रही है, दर्द हो रहा है। चलो वेरी गुड दीप्ति जी, चलो तो ये निकल के आ गया। अब वही सवाल आता है, एक बच्चे ने मेरे से ये करने के बाद बोला सर आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो ना, इसको इंटीग्रेट क्यों नहीं करते हो आप, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाओ, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाओ, आंसर निकाल दो ई का, आप क्यों नहीं कर रहे हो। तो जवाब क्या होगा, जवाब होगा इसके नीचे जो लिखा है, जवाब बोलती है मैथमेटिक्स। मैथ्स क्या बोलती है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर को इंटीग्रेट करते हैं टाइम पे या तो आप मैग्नीट्यूड को करोगे इंटीग्रेट या डायरेक्शन करोगे इंटीग्रेट, अगर एक साथ करना है तो आपकी डायरेक्शन क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, क्योंकि डीई की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग अलग आ रही है, इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकता। लेकिन फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनकी दोनों कंपोनेंट ले सकता हूँ, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और उनको मैं क्या कर सकता हूँ आपका इंटीग्रेट कर सकता हूँ, उनको मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों इंटीग्रेट कर सकता हूँ। इसके बाद क्या करना है, तो डी आपका क्या निकल के आ गया सर, डी ही मेरा निकल के आ गया k lambda by d, और साथ में आ गया यहाँ पे आपका d theta, ये समझ में आ गया। अब मेरा काम क्या है, मेरा काम है परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा सर, सर वो हो जाएगा आपका de परपेंडिकुलर इज इक्वल टू de cos theta, d cos theta। अब cos theta की जगह पे मैं क्या रखता हूँ, कुछ मत रखो यहाँ पे, क्या d की जगह रखो k lambda by d, और इस कोस्टा को पहले लिखता हूं और डी थीटा को बाद में लिखता हूं, क्योंकि जनरली इंटीग्रेशन में हम डी थीटा बाद में लिखते हैं। अब क्या, अब करो इंटीग्रेशन जल्दी से, अब कोई दिक्कत नहीं, यहां थीटा है यहां भी थीटा, अरे बहुत बहुत अच्छी बात है, कर दो इंटीग्रेशन इसका। इंटीग्रेशन कहां से, जीरो से लेके ई तक। और अब लिमिट की बात करते हैं, लिमिट बहुत फिर से इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, लिमिट क्या है फिर से, ये बच्चों जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है प्रूफ, ठीक है। लिमिट कहां से सर, लिमिट आपको किसकी रखनी है सर, लिमिट तो मुझे थीटा की रखनी है ना, थीटा की लिमिट। अब थीटा कहां से, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी सर, लोअर लिमिट है ये है लोअर लिमिट, नीचे नीचे वाला, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थीटा टू है, और अपर लिमिट क्या है ये है, तो यहाँ पे क्या एंगल बना रहा है आपका, एंगल बना रहा है थीटा वन। पर दिक्कत एक बात की, तुम ध्यान दो तो थीटा वन और थीटा टू की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट एक दूसरे के, एक अगर क्लॉक वाइज है दूसरा कैसा एंटी क्लॉक वाइज, मतलब आपको डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है यहाँ पे, कि मैं थीटा को उल्टा ले रहा हूँ या थीटा को सीधा ले रहा हूँ। इस केस में फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप रखोगे माइनस थीटा टू और यहाँ पे लिमिट क्या रखोगे थीटा वन। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि आपका थीटा वन की और थीटा टू की डायरेक्शन अपोजिट है, तो कुछ तो सेंस होना चाहिए डायरेक्शन का। तो ये हो गया, इसको इंटीग्रेट कर लोगे आप, क्या निकल के आता है कॉस्ट ट्रैक इंटीग्रेशन, जो बच्चों निकल के आता है साइन, मैं एक बार काम करता हूं लिख देता हूं, के लैम्डा डी बाय डी तो कांस्टेंट होता है, कॉस्ट ट्रैक इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, माइनस साइन नहीं होता, साइन थीटा होता है। इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं आपका थीटा वन और थीटा टू माइनस का रखूंगा, यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या निकल गया, के लैम्डा बाय डी साइन थीटा वन माइनस साइन माइनस थीटा टू आएगा निकल के। अब मुझे हर बच्चे को पता होना चाहिए साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, पता है ना बात, साइन ऑफ माइनस थीटा, ये वाली बात पता होनी चाहिए आपको कि दुनिया में कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है आपका, इट इज माइनस साइन थीटा, बगल में देखो टॉप पे। और यहाँ पे ये बात पता होनी चाहिए कॉस ऑफ माइनस थीटा आपका इट इज इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है, कॉस में साइन चीज नहीं आता, इसमें आता है। तो ये आप सोल्व करो तो इट विल कम आउट टू बी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, मैंने पूरा ही सोल्व कर दिया, कोई मैथमेटिक्स का पार्ट छोड़ा ही नहीं, ये सिर्फ इसके लिए सोल्व करूँ, बाद वाले सोल्व नहीं करूंगा सर, आपने पहले भी ये बात बोली थी, ठीक है, कोई नहीं कर दिया मैंने सोल्व। अब दूसरा क्या है, दूसरा है सर आपका पैरेलल कंपोनेंट, दूसरा कौन सा कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट, अगर दूसरा पैरेलल कंपोनेंट तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सुनो इसको मैं क्या लिखता हूं आपका, इसको मैं लिखता हूं डी पैरेलल, और ये क्या हो जाएगा आपका डी साइन थीटा। अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा,
तुम चुपचाप यहाँ पे डी की जगह पे क्या रखोगे, के लैम्डा बाय डी रखोगे, डी थीटा रखोगे, साइन थीटा रखोगे, इंटीग्रेट करोगे और इंटीग्रेट में लिमिट भी सेम लिमिट डालोगे, और इसका जब आंसर निकालोगे तो बच्चों डी पैरेलल का आंसर निकल के आएगा आपका के लैम्डा भी, साफ सी बात है माइनस कॉस थीटा आता है, के लैम्डा बाय डी फॉर्मूला निकल के आएगा कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। तो वैसे मैंग्रू से मतलब है, इसे मैंग्रू लिखा है मैंने, तो ये आपका आएगा डी पैरेलल और ये आपका आएगा निकल के डीई, वो वाला रहे डी परपेंडिकुलर। अब इसको हम एक तरह से कंक्लूड कर देते हैं इस बात को, चलो कंक्लूड नहीं करते, नेक्स्ट पेज जाओ। तो सुनो आगे आगे की कहानी सुनो, बहुत अच्छी कहानी है। अब इसके बाद जो चीज आने वाली है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद के जो आने वाली चीज वो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। तो सुनो मैं क्या लिख सकता हूँ आपका, अगर कोई, अब मैं डायग्राम के साथ कर रहा हूँ, मान लो कोई ऐसी आपकी रॉड है, चार्ज रॉड है, जिसका लैम्डा कूलम पर मीटर आपको दे रखा है, आपको क्या दे रखा है इसका लैम्डा कूलम पर मीटर दे रखा है, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे याद करना सुनो, तो मैंने बोला किसी भी जनरल पॉइंट पे, यहाँ पे मैंने इस तरह से लाइन बना दी और यहाँ पे पॉइंट बना दिया पी, इस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम पूछता है आपसे, यहाँ पे पूछता है आपसे एक तो पूछेगा ई परपेंडिकुलर क्या है और एक क्या पूछेगा आपसे ई पैरेलल क्या है। अगर कोई पागल ही हो जाए सवाल वाला और आपसे पूछे कि बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो कुछ नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कंपोनेंट ही तो होंगे, मतलब सॉरी वो तो होगा नेट, मतलब आपका वेक्टर समीत होगा, दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो आप ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का। लेकिन अक्सर इसके इसकी सवाल ही नहीं पूछे जाते, इसके जो बात हम करने वाले हैं वो चीज समझना, उसमें सवाल पूछ जाते हैं। तो मैं क्या दे रखा होगा सवाल, सवाल सुन लो, सवाल ऐसे दे रखा होगा कि आपको थीटा वन दे रखा होगा और यहां से आपको थीटा टू दे रखा होगा, सुनना। और खास चीज क्या दे रखी होगी, ऐसे दे रखा होगा थीटा वन और ऐसे दे रखा होगा थीटा टू, ये ऐसे ही याद करना है क्योंकि हमने ऐसे ही मान के इसको डिराइव भी किया है, ऐसे ही याद करना क्योंकि ऐसे मान के डिराइव किया है, ठीक है। तो इस केस में फॉर्मूले क्या निकल के आ रहे हैं, ई परपेंडिकुलर फॉर्मूला, यहाँ पे निकला था ना कॉस वाला, जो साइन वाला आया था साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर वैल्यू क्या निकल के आएगी, इट विल कम आउट टू बी के लैम्डा बाय डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या चीज है यहाँ पे, ये क्या निकल के आया आपका के लैम्डा बाय डी, और ये क्या होता है आपका कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। अगर ये फॉर्मूले याद हो पाए बहुत बढ़िया, ना याद हो पाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अक्सर नहीं पूछ जाते, पर इसके बाद जो चीज मैं करने जा रहा हूँ वो चीज पूछ जाती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस फॉर्मूले को याद करते टाइम पे एक दिमाग लगाना है, कुछ एजम्पशन माने गए हैं यहाँ पे, इस डायग्राम को देखना है, इसलिए मैंने कहा डायग्राम इंपॉर्टेंट है समझना। पहली चीज जो डी होता है कि डी इज परपेंडिकुलर टू द बार या रॉड, जो भी बार आपने ली है ना, जो डी है वो एक परपेंडिकुलर है और डी जो है वो एक रेफरेंस की तरह काम करता है, रेफरेंस लाइन की तरह काम करता है। रेफरेंस लाइन से मेरा मतलब कि जो आपके थीटा है, जो भी सारी चीजें हैं वो आपकी हमेशा डी से ही नापी गई है, ऊपर और नीचे के हिसाब से। ये है आपका डी, ये जो डिस्टेंस है आपका यहां से लेकर यहां तक, ये परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए, कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं लेनी। दूसरी चीज सुनो, दूसरी चीज क्या हो जाएगी यहां पर समझने वाली, दूसरी चीज हमेशा होगी थीटा वन एंड थीटा टू आर अबव एंड बिलो डी, मतलब जो डी वाली लाइन है उसमें थीटा वन ऊपर की तरफ जाएगा और थीटा टू नीचे की तरफ ही जाएगा, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है वो भी समझ लो, तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि थीटा वन एंड थीटा टू आर अपोजिट टू ईच अदर, इसके सवाल आपके मॉड्यूल में मिल जाएंगे आपको, एक बार जाकर देखना। हाँ मॉड्यूल के बारे में कुछ बच्चे पूछ रहे थे, मॉड्यूल लगाना शुरू करना है कि नहीं करना है, तो आंसर है मॉड्यूल लगाना शुरू कर दो, जो क्वेश्चन तुमसे लग रहे हैं वो करो, जो नहीं लग रहे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी जो मॉड्यूल मैंने आपको भेजा है ना उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि जनरली मैं आईआईटी वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये जो मॉड्यूल है वो नीट वाले बच्चों का है, आईआईटी और मेंस, और आईआईटी मेंस और नीट लगभग बराबर ही होते हैं, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो मैं जनरली आईआईटी एडवांस वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उसमें क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो पार्ट में पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक टू, ऐसे पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक टू में आपका गॉस लॉ, कंडक्टर्स और ये सारी चीजें आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन में जो हम पढ़ी रहे हैं वो सब आते हैं डेफिनेशन। तो उसमें क्या कर रखा है उन्होंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन और टू के सवाल एक साथ दे रखे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपसे सारे सवाल ना बन पाए एक साथ, लेकिन आप लगाना शुरू कर दो, जो सवाल बन रहा होगा दिख जाएगा, जो सवाल बनेगा, जो सवाल नहीं बनेगा वो भी दिख जाएगा नहीं बन रहा है, तो जो सवाल लग रहा है उसको करो, जो सवाल नहीं लग रहा है उसको मत करो। अगर आपके सामने कोई सवाल आता है स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग रॉड, ऐसे कुछ नाम आते हैं, तो वो सवाल मत करना कि नॉन कंडक्टर, नॉन या स्फेरिकल कंडक्टर या इंसुलेटर, इस तरह के सवाल निकल के आते हैं तो उनको मत अटेम्प्ट करना, कोई फायदा नहीं, उनको अटेम्प्ट करने का नहीं कर पाओगे, वो हम करेंगे सब कर पाओगे, पर क्लास जब एंड होने के, कंडक्टर लास्ट टॉपिक होता है हमारा, तो वहां पे, वरना सवाल लगाना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत बड़े बहुत ज्यादा सवाल है एक साथ एक दिन में नहीं हो पाएंगे, तो लगाना शुरू कर दो, कोई डाउट है तो आपको डिस्कस तो करना ही है, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट तो मैं ज्यादा तंग कर रहा हूं, तो मैं लग रहा है कि ये डाउट है,
तो मैं देखता ही रहता हूँ आपका डिस्कशन ग्रुप, अगर कोई ऐसा सवाल होगा कि जो अभी मैंने नहीं पढ़ाया तो मैं बता दूंगा कि ये सवाल हम बाद में करेंगे, ये याद रखना। हाँ, कुछ सवाल कैपेसिटर के हैं, कंडक्टर के सवाल कैपेसिटर तो उसमें अभी दे रखे हैं, पर कैपेसिटर तो हम बाद में करेंगे। कुछ सवाल कैपेसिटर के भी हैं, उसमें कैपेसिटर अलग चैप्टर के नाम से हम पढ़ेंगे। अब सुनो क्या बोलने वाला था। हाँ, अब इसमें मैंने क्या बोला, ये तीनों का मतलब समझ लेते हैं। देखो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई मान लीजिए कल को एक ऐसे रॉड दे रखी है, इसमें मैं फिर से बोल रहा हूँ सवाल इस पे कम पूछे जाते हैं, इसमें ज्यादा इस पे माथापच्ची मत करना, माथापच्ची करने वाला इसके बाद जो मैं नोट पॉइंट लिखाऊंगा उस पे आएगा। तो सुनो मैंने क्या किया, मान लो ये पॉइंट यहाँ दे रखा है, कोई पॉइंट रॉड यही खत्म हो गई, लेंथ एल की रॉड आपको दे रखी है वो वही खत्म हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो पहली बात तो बिना सोचे समझे आप पहले डायरेक्शन तो बना देना। तो डायरेक्शन तो यही आएगी परपेंडिकुलर वाली, और फॉर्म और ई पैरेलल यहीं पे आएगा, ये भी समझ आ जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है, समझ आ गया। पहली बात, ये सिर्फ तब आएंगे जब इसमें प्लस चार्ज रखा हुआ है, पता लगा तो इस पे माइनस रखा होगा तो ये डायरेक्शन उल्टी हो जाएंगी, ये इस तरफ हो जाएगी और ये इस तरफ हो जाएगी, क्योंकि माइनस आपका, ये सारी चीजें मैं ये एज्यूम करके रख रहा हूँ कि आपके हमेशा प्लस चार्ज है। फिजिक्स में शुमाला जी पूछ रही हैं कि फिजिक्स में एक दिन में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। तो देखो मैं उन टीचरों में से नहीं हूँ जो तुमसे बोलेगा कि एक दिन में 100 क्वेश्चन करो, या सिर्फ इतने सवाल दे दो तुम्हें करने के लिए कि तुम पता लगा पूरे दिन से फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको बायो भी पढ़नी है, आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, कुछ बच्चों को यहाँ पे आपको मैथ भी पढ़नी है। तो प्लीज इतना ज्यादा टाइम भी मत दे देना फिजिक्स को कि आप बाकी सब्जेक्ट ना प्रिपेयर करके हो, सिर्फ फिजिक्स से सिलेक्शन नहीं होगा पहली बात तो, और सिर्फ बायो से भी नहीं होगा, सिर्फ केमिस्ट्री से नहीं होगा, तीनों से होगा, तो तीनों पढ़ना है। तो लगभग सवाल की बात करनी है तो लगभग 10 से 12 सवाल तो आपको करने चाहिए, मैं बहुत कम बोल रहा हूँ। आपकी जितनी इच्छा है आप उतने करो, आपको बायो बहुत अच्छी है तो मत पढ़ो, फिजिक्स के सवाल आप 10 और कर लो उसमें, तो कम से कम 10 से 20 सवाल आपके एक दिन में लगने ही लगने चाहिए, विद द टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं और बाकी टॉपिक जो हम पहले पढ़ चुके हैं उन दोनों के मिलाकर, इतना तो आपको मिनिमम करना ही चाहिए। और वो सवाल अच्छे होने चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई थ्योरेटिकल सवाल को तुम 10 सवाल में गिन रहे हो, थ्योरेटिकल सवाल की बात नहीं चली, यहाँ कैलकुलेटर सवाल की बात कर लीजिए, कैलकुलेटर वाले आपके कम से कम 10 सवाल तो लगने चाहिए, थ्योरेटिकल की तो बात ही नहीं चल रही, थ्योरेटिकल तो तुम रास्ते में घूमते फिरते और कुछ भी करते करते तुम देख सकते हो। ठीक है, अब सुनो, तो इस सवाल में जब मुझे थीटा वन और थीटा टू लेने में दिक्कत आती है तो मैं क्या लूंगा, सर ऊपर वाले पॉइंट के साथ में क्या लेना है आपको, थीटा वन लेना है, और नीचे वाले पॉइंट के साथ क्या लेना है, थीटा टू, पर कहां से लेना है डाउट तो ये भी, सर यहाँ डी कैसे लूंगा, डी तो आपका इस रॉड के परपेंडिकुलर होता है, यहाँ तो रॉड वही खत्म हो गई। तो कुछ नहीं, याद करो प्लेन मिरर वाला कॉन्सेप्ट था ना, प्लेन मिरर वाला कॉन्सेप्ट, तो मैं क्या करूंगा इसको एक्सटेंड कर लूंगा। कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो डी वाली लाइन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए आपकी, फिर से मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या, फिर से एक सेकेंड, आवाज आ रही है नहीं आ रही मेरी साफ, नहीं आ रही ना, मतलब आ रही है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक आध को होती है, कभी कभी बीच में होती है, वो आपके नेटवर्क पे भी डिपेंड करता है, हमेशा मेरे नेटवर्क खराब नहीं हो रहे। तो सुनो, तो आपको उस टाइम पे ये डी लेना है, पता लगा तुम यहां से डी ले रहे हो वहां से, कोई नहीं, कोई सेंटर वेंटर नहीं, डी परपेंडिकुलर होना चाहिए। दूसरी बात, आपको जो थीटा वन लेना है वो ऊपर वाले को, मैंने कहा ना क्या लिखा है यहाँ पे, थीटा वन आर अबव एंड बिलो, तो आपको थीटा वन ऊपर की तरफ लेना है और जो नीचे वाली लाइन है उसको थीटा टू ले लेना है। पर एक गड़बड़ है इसमें, क्या एक गड़बड़ है, देखो गड़बड़ क्या, अबव वाले पॉइंट को थीटा वन, मतलब इस वाले पॉइंट को लाइन जोड़ने वाले को थीटा वन लोगे, इस पॉइंट को जोड़ने वाला थीटा टू लोगे, तो बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं कि बोलते हैं सर ये था थीटा टू। देखो यहाँ बच्चों साइन का भी इंपॉर्टेंट है, साइन की भी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, थीटा टू, थीटा टू आप ऐसे नहीं लोगे, ये थीटा टू गलत है लेना, क्यों कि मान लो तुम क्या बोलोगे सर ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, उससे आंसर गलत हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे वैल्यू भी इतना रखनी है अभी, और अगर आपने वैल्यू रखी तो गलत हो सकता है। तो आपको क्या रखना है, तो मैंने एक लाइन सेकंड थर्ड लाइन है उसको पढ़ो, थर्ड लाइन में मैंने क्या बोल रखा है, थर्ड लाइन में मैंने ये बोल रखा है आपका कि आपका दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, मतलब अगर आपने थीटा को क्लॉकवाइज बना दिया तो थीटा टू आपका एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन लेना तो कहां से, लेना तो यहां से है ना, यहां से फिर आप क्या करोगे ऐसे घुमा के लाओगे यहां तक, तो इस तरह थीटा टू लेना है। आई नहीं आई बात समझ, एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल की जैसे ये रॉड है और मैंने बोला कि आपकी जो ये वाला है ठीक है और ये वाला है, एग्जाम्पल के लिए कि सर मान लीजिए आपको मैंने बता रखा है, क्वेश्चन ने मतलब बता रखा होगा या दे रखा होगा, इस तरह डायग्राम बना के दे रखा होगा कि मान लीजिए ये 60 डिग्री है ठीक है और ये 30 डिग्री है ठीक है, तो आप थीटा वन तो क्या ले लोगे 60 डिग्री ले लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी डीवी तो जो लेना है लो, पर थीटा टू क्या लोगे, थीटा टू आप 30 डिग्री लोगे क्या, आंसर है नहीं लोगे, क्योंकि 30 डिग्री तो आप ऊपर की तरफ मान रहे हो ऐसे प्लेस पर डायरेक्शन में, तो ये नहीं लोगे, तो आप थीटा टू कैसे लोगे सर, फिर थीटा टू का आपको लेना है डिस्टेंस डी, डी वाई लाइन से ऐसे घुमा के लाओ ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा सर थीटा टू, टोटल कितना होता है, टोटल होता है 360, 360 माइनस 30 डिग्री कर दो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 330 आ जाएगा, आपको 330 लेके सॉल्व करना होगा। अब कोई बोलेगा सर 330 तो पता ही नहीं, 330 में वैल्यू क्या होती है, वैसे पता होनी चाहिए, नहीं पता कोई बात नहीं, एक और तरीका बताता हूँ सर, अगर आप 360 नहीं ले पा रहे हो ना, 330 नहीं ले पा रहे तो आप इसको 30 ना लेके, आप इतना तो समझ पा रहे हो ना सर 60 और 30 अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं,
और आपने 60 को प्लस के साथ में लिया है तो आप इसी चीज को माइनस 30 ले लो बस। तो आप 30 लेके सॉल्व मत करना, आपको अपोजिट लेने का क्या मतलब है, अपोजिट मतलब है कि अगर ये 60 है तो दूसरा माइनस की। या तो मैंने जब वो लिया था, जब मैं प्रूफ समझा रहा था आपको, तो उस टाइम भी तो मैंने क्या दिया था यहाँ पे, याद हो तो यहाँ पे मैंने कहा गया सॉरी यहाँ जब मैं प्रूफ समझा रहा था यहाँ पे, तो मैंने उस टाइम पे जब लिमिट रखी थी, तो यहाँ पे थीटा वन प्लस में और यहाँ पे थीटा टू माइनस में। तो या तो तुम्हारा क्या काम है, तुम या तो ऐसे याद करो कि मैं थीटा टू को या तो पूरा घुमा के ऐसे लेके आऊंगा तो 330 आएगा, अगर ये नहीं लेना है कोई बात नहीं, आप उसको माइनस 30 ले लो, दोनों से आंसर सेम ही निकल के आने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कैसे भी करके आओ। पर वही है, इस पर क्वेश्चन कम आते हैं, पर कम आते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आ नहीं सकते, कम आने का बिल्कुल ये मतलब नहीं आ नहीं सकते, इसलिए मैंने अपने आपको सेफ्टी में रख के बिल्कुल प्रूफ के साथ सबको समझा दिया है, आपका काम है आगे पढ़ने का। अब सुनो नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज जो मैं नेक्स्ट आने वाला हूँ, क्योंकि इसके फॉर्मुले तो आपको रटे होने चाहिए विदाउट एनी फेल, कुछ भी हो जाए मरो चाहे जियो, पर इसके फॉर्मुले आपको रटे होने चाहिए। क्लास लंबी जाएगी आज की, वापस से आज की क्लास वापस से थोड़ी लंबी जाएगी, इसलिए बने रहना। तो सुनो, क्योंकि मुझे आज ये कंटिन्यूस चार्ज वाला टॉपिक खत्म करना है, कल आपका शुरू हो जाएगा, आपका कल कुछ एक सवाल करेंगे और फिर हम शुरू करेंगे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी, क्योंकि अगर वो टॉपिक नहीं पढ़ाते वो सारे टॉपिक रिलेटेड है, अगर आपने फोर्स नहीं पढ़ाता तो शायद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड उतना समझ नहीं आता। अब आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी समझ नहीं समझोगे तो आपको पोटेंशियल समझ में नहीं आएगा, और अगर पोटेंशियल समझ नहीं आएगा तो मैं वापस से कनेक्ट करूंगा पोटेंशियल को, फोर्स को, वर्क को, इन सब को। एक बार पोटेंशियल खत्म करने के बाद में मैं फोर्स को, पोटेंशियल को, पोटेंशियल एनर्जी को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, इनको सबको एक साथ जोड़ दूंगा, फिर एक सवाल बनेंगे, बहुत इजी सवाल, बहुत अच्छे सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बनेंगे। तो इसलिए हर क्लास करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ठीक है वैसे हर क्लास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज मेरी बात मानो, मैं मजाक में नहीं बोल रहा, बात आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आपको, ये मैं बोल नहीं रहा कि खुद से रिवीजन करो, जो क्लास अभी चल रही है इसको तो यहाँ पे अटेंड कर लिया, नोट्स बना लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार उस जाकर वीडियो को एक बार बस देखो, क्योंकि उसमें आपको फिर खुद से रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। दिन में आपको 2 से 3 घंटे फिजिक्स को देने हैं, बिल्कुल देने हैं, जिसमें से आपको 1 घंटा रिवीजन करना है, 2 से बाकी 2 घंटे लगभग आपको क्वेश्चंस को लगाने हैं, तो 1 घंटे में वीडियो ही देख लो, तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा और तुम्हारे मन में कोई डाउट फैले हुए हैं तो वो भी वहां पे क्लियर हो जाएंगे। और किसी भी क्लास में थोड़ी बहुत इधर उधर झपकी आई जाती है, आप खाने खा रहे हो, कुछ याद नहीं करके आसपास लोग घूम रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हो रहा है, तो आप बीच में कोई ना कोई पॉइंट स्किप कर देते हो, तो पॉइंट स्किप ना करने के लिए वो वीडियो वापस देख लो, ऑटोमेटिकली तुम्हारा क्या होगा, वो वीडियो से कोई भी डाउट तुम्हारा रहेगा तो क्लियर हो जाएगा वहां से, फायदा तुम्हारा ही है। मेरी बात मैं बोल रहा हूँ तो वो एक उस तजुर्बे से बोल रहा हूँ, आगे बात तुम्हारी है, बाकी तो वीडियो तुम्हारे लिए और किसी के लिए रहे नहीं। अब सुनो यहाँ पे क्या बोलने वाला था, हाँ नोट पॉइंट। अब सुनो, सवाल में कुछ स्पेशल केस आते हैं, स्पेशल केस में क्या आता है, पहला केस होता है जिसमें हम बोलते हैं आपका सेमी इनफाइनाइट वायर, मैं बार नहीं बोला, वायर बोलो चाहे बार बोलो, बात तो एक ही है, क्योंकि वायर भी पतली सी एक लाइन होती है और बार भी एक पतली सी लाइन लेके चला था। अब सुनो सवाल आते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट का वायर का मतलब कि मान लीजिए मैंने क्या किया, इस तरह का वायर लिया, सेमी इनफाइनाइट का क्या मतलब है, या तो सेमी इनफाइनाइट बोलता है या बोलता है कि आपका जो पॉइंट है इट इज एट वन ऑफ द एंड्स, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो आपका पी पॉइंट है उसको यहाँ पे ले लिया, जो पी पॉइंट है बच्चों उसको मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। अब सबसे बड़ा खेल क्या है, ये डिस्टेंस तो डी ही होगा, इसमें तो कोई चिंता वाली बात है नहीं। सबसे बड़ा फर्क क्या है सवाल में, सर अब ये ऊपर की तरफ जा रही है इनफाइनाइट, तो मुझे थीटा वन और थीटा टू लेने हैं सबसे पहले, तो थीटा वन और थीटा टू क्या लूंगा वो बताओ। तो सुनो थीटा वन क्या होता है, सर थीटा वन यहाँ से लेते हैं, अब बात ये कि उसको यहाँ पे कहीं मैच करना है, कहीं मैच ही नहीं हो रही, कहीं मैच ही नहीं हो रही, तो ये लाइन भी तो कहाँ जाएगी आपकी, इनफाइनाइट में चली जाएगी, इनफाइनाइट में कहीं मैच करेगी, तो ये वाला थीटा वन हो जाएगा, तो थीटा वन ऐसे हो गया, थीटा वन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, थीटा वन की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 90 डिग्री, क्या आ जाएगी थीटा वन की वैल्यू 90 डिग्री, बहुत बढ़िया। और थीटा टू, तो थीटा टू क्या होता है, आखिरी वाला पॉइंट यानी ये वाला पॉइंट, इसको जोड़ने वाली एंगल, इसको तो जोड़ने के नीचे जाना ही नहीं है, यहाँ थीटा वन यहीं से शुरू हुआ, थीटा टू यहीं से खत्म हो गया, थीटा टू की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री, थीटा टू की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 डिग्री। चलो ये बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया, अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे इस सवाल में क्या बताता हूँ, थीटा वन की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री और थीटा टू की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0 डिग्री। अब फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूले क्या थे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के, ई परपेंडिकुलर फॉर्मूला था आपका के लैम्डा बाय डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ठीक है। और ई पैरेलल का फॉर्मूला क्या था आपको, के लैम्डा बाय डी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। अब मुझे इसमें थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू डालनी है, अगर वैल्यू डालता हूं तो ई परपेंडिकुलर क्या निकल के आएगा, सर ई परपेंडिकुलर निकल के आएगा आपका बस 90 डिग्री, साइन 91 होता है, साइन 0 0 होता है, तो ये निकल के आ जाएगा आपका के लैम्डा बाय डी निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, इट विल कम आउट टू बी के लैम्डा बाय डी, ठीक है। दूसरा क्या है सर, दूसरा मैं डालता हूं आपका यहाँ पे, मुझे ई पैरेलल निकालना है,
ई पैरेलल में डालता हूँ वैल्यू, तो पहला आपका क्या है 90 डिग्री, सॉरी थीटा टू जीरो, थीटा टू जीरो कॉस जीरो वन होता है, कॉस 90 आपका जीरो होता है, तो ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये भी क्या निकल के आएगा, ये भी सेम टू सेम निकल के आएगा, के लैम्डा बाय डी। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोल, आ गया समझ में? जल्दी बोल जाओ, बहुत सिंपल से चीज है निकल के आई है। याद रखना आपके फिजिक्स में जब न्यूमेरिकल आते हैं तो जनरली फॉर्मूला सिंपल ही पूछ के आपसे करवाते हैं, क्योंकि सिंपल सी फॉर्मूला है। अब डायरेक्शन समझो, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ पे ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या आ रहा है, के लैम्डा बाय डी। याद रखना ये डायरेक्शन में ये सोच के बना रहा हूँ कि इसके ऊपर जो लैम्डा कूलम पर मीटर है वो पॉजिटिवली चार्ज है पूरा, ठीक है, नेगेटिव होता है तो उल्टे डायरेक्शन आ जाएंगे बिल्कुल, और ई पैरेलल क्या आएगा, ई पैरेलल आपका नीचे निकल के आ जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, के लैम्डा बाय डी। अब एक बार नीट में एक सवाल आया था, सवाल यह आता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी इनफाइनाइट वायर, सिर्फ इतना सवाल, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी इनफाइनाइट वायर। बच्चों को कुछ नहीं पता कि पैरेलल था कि आप कि पैरेलल पूछा है उसने, कि आपसे उसने पूछा है परपेंडिकुलर पूछा है, कुछ नहीं समझा है, लेकिन उसने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्यों नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, अबे ये तो कंपोनेंट है, ये पैरेलल और आपका, ये पैरेलल और आपका परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ ऐसे निकल के आएगी ना। तो आपको तीनों चीज याद होनी चाहिए, तीनों चीज नहीं याद कम से कम ये ई पैरेलल याद होनी चाहिए, परपेंडिकुलर दोनों याद होनी चाहिए। तो ई नेट कैसे निकल के आएगा सर, ई नेट निकल के आएगा मेरा इस तरह से, ये ई नेट, और ई नेट को मैं क्या बोल सकता हूँ, अरे साफ सी बात है दोनों की वैल्यू इक्वल है ना, जब मैंने आपको बताया था किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में अगर दोनों के बीच का एंगल 90 हो और यहाँ पे अगर आपका एफ है, यहाँ पे अगर एफ है, तो नेट क्या निकल के आता है आपका 45 डिग्री पे रूट टू एफ निकल के आता है, तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे ई नेट क्या हो जाएगा आपका, ये निकल के आएगा रूट टू के लैम्डा बाय डी, ठीक है। तो एग्जाम में बच्चों ने धड़ाधड़ गलती करी थी, मैक्सिमम बच्चों ने के लैम्डा बाय डी आंसर मार दिया था, पर आंसर क्या था आपका, रूट टू के लैम्डा बाय डी, आपका आंसर क्या होगा, रूट टू के लैम्डा बाय डी, ठीक है। उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए क्या कर दिया था, के लैम्डा बाय डी दे दिया, फिर के लैम्डा बाय डी दे दिया, दूसरा दे दिया माइनस के लैम्डा बाय डी, तो बच्चों को लगा माइनस का मतलब नीचे वाला पूछ रहा है, माइनस का मतलब नीचे वाला पूछ रहा है, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, वो सिंपल आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, अगर कुछ ना बोला हो तो इसी को आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर चलना है, वरना आप वो आपसे स्पेसिफाई करेगा कि परपेंडिकुलर वाली बताओ या बोलेगा आपसे पैरेलल वाली बताओ, ये अच्छे से आपको स्पेसिफाई करेगा, तो ये वाली बात का आपको खास ख्याल वहां पे रखना है, आई होप कि समझ में आया होगा, ये याद करना है बच्चों, ये वाला जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये नोट, ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। एक सेकंड, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको बाद में याद भी रहे, इस पोर्शन को आपको करना है, इस पोर्शन को बच्चों आपको रटना है, रटो ये नोट वाला, रटो इससे पहले वाले फॉर्मूले याद होते हैं नहीं होते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इस चीज को आपको रटना है। नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट पे अगर हम ध्यान देते हैं तो नेक्स्ट आपका क्या केस बचता है, दूसरे केस को अपन बोलते हैं, दूसरा केस होता है ये सेमी इनफाइनाइट है ना, अगर कोई चीज सेमी होती है तो आपकी वो फुल भी होगी, मतलब दूसरा केस होता है आपका इनफाइनाइट वायर का, दूसरा केस होगा आपका इनफाइनाइट वायर का। अब वायर और बार एक ही चीज होती है, क्योंकि बार को भी हमने पतला ही लिया है और वायर भी आपका पतला ही होता है, इनफाइनाइट वायर, उस केस में क्या होगा सुनो, उस केस मैंने क्या कहा सर, आपने क्या किया, एक वायर बनाया होगा, ठीक है, और कोई पॉइंट यहाँ ले लिया होगा, इसके पास में बहुत पास में कोई पॉइंट लिया होगा, यहाँ पे पॉइंट ले लिया मान लीजिए पी पॉइंट, अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो क्या हो रहा है कि ये इस तरह से ऊपर जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ, ठीक, डिस्टेंस यहाँ से क्या दे रखा है, डिस्टेंस यहाँ से डी दे रखा है परपेंडिकुलर वाला। अब सवाल ये आता है कि आपके थीटा वन और थीटा टू क्या होंगे, तो वही वाली बात है सर, मैं बिना दिमाग लगाए बता भी सकता हूँ ये वाली बात, कि थीटा वन और थीटा टू, देखो इस बार थीटा वन कहां से एस लेना है, तो कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहां भी नीचे कहीं मिल नहीं रही, तो ये भी ऊपर, इस केस में आपका थीटा वन और थीटा टू दोनों ही क्या हो जाएंगे आपके, दोनों विल बी योर 90 डिग्री, थीटा वन एंड थीटा टू बोथ विल बी 90 डिग्री। अब कुछ नहीं, इन दोनों चीजों को आपको इसमें पुट करना है और इसमें पुट करना है, वैल्यू डालनी है और आंसर निकालना है। मुझे ऐसा याद है कि आप में जो कुछ बच्चे शायद, इफ आई एम गेसिंग राइट, शायद सुमाइला और एक दो बच्चे जब लास्ट टाइम पे मेरे से केडीयू पढ़ने आए थे, तो शायद मैं ये टॉपिक उनको पढ़ा रहा था उस टाइम पे, आई गेस सो, सुमाइला थी, इंशा थी, शायद एक दो बच्चे और थे अपने, निशी थी, एक दो बच्चे और थे, जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था उस टाइम पे, उसी टाइम पे उन बच्चों ने ज्वाइन किया था शायद, फिर मैंने डेमो देने आया था, वो डेमो करने आए थे बच्चे, वो बच्चे डेमो करने आए थे, तो पहली क्लास डेमो की थी, मुझे याद है केडी में जो आपका टावर है उसके ऊपर वाले क्लास थे, छोटे वाले जो रूम था जिसमें कांच वाला रूम था, वो उसमें शुमाइला थी, इंशा थी आपकी शायद, और एक दो बच्चे और भी थे, और आपका चंचल वंचल थे शायद, और निशी जी भी थी उस बैच में, थे ना। देखा बेटा मेरे मेरी मेरे को कितना याद है तुम लोगों के बारे में, देखा मुझे सब कुछ याद है, उस टाइम आप लोग बच्चे क्लास करने आए थे, देखा मुझे एक साल पहले की बात कितनी अच्छे से याद आ रही है तुम्हारे बारे में, मैं सबको याद रखता हूँ बच्चों को, तुम लोग अगर एक बार सक्सेसफुल हो चाहे ना हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम मेरे से पढ़े हो, ठीक है, और बस बात ये है कि भाई सक्सेसफुल हो जाओगे तो मुझे खुशी ज्यादा होगी, कि मुझे ना मैं तुम्हारी एग्जाम्पल क्लासेस में दिया करूंगा कि भाई ये बच्चे थे जो उस टाइम पे से पढ़ने आए थे, सब हुआ था, वो सारी बातें, ठीक है।
मुझसे केडी में सोचो, केडी का रिश्ता आज तक यहाँ चला है, केडी को आप लोग भी छोड़ चुके, मैं भी छोड़ चुका, लेकिन हम यहाँ पे मिले हुए और ये रिश्ता हमेशा बना रहेगा पूरी जिंदगी। तुम सक्सेसफुल हो चाहे मत हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे तुम्हारी तुम पूरी जिंदगी तुम लोग मुझे याद रखो। यहाँ एक एक बच्चा मुझे नाम पता है, एक ही बच्चा मुझे हमेशा पूरी जिंदगी याद रखूंगा आपको, ठीक है, पूरी जिंदगी याद रखूंगा, कुछ भी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन बस ये थोड़ा सक्सेसफुल हो जाओगे तो तुम्हें भी थोड़ा सा मिलने में, जब तुम अगली बार 10 साल बाद मुझसे मिलने आ रहे हो या 5 साल बाद मुझसे मिलने आ रहे हो, तो तुम लोग खुशी के साथ मिलने आओगे, वरना मिलने आ जाना मुझे खुशी तब भी उतनी होगी, मेरा स्टूडेंट चाहे कैसे भी हमेशा मुझे खुशी होगी। अब तो मजा आ गया, मैं सोचती थी पता नहीं सर मुझे जानते होंगे, अरे यार कैसे बात कर दी शुमाइला, ठीक है तुम्हें तो नहीं जानेंगे, सब बच्चों को मैं हर एक बच्चे को जानता हूँ, हाँ कभी ऊपर नीचे हो जाता है, सर फार्मा कर रहा हूँ, हाँ 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 अच्छा ठीक है, आपके फैज भी आया करते थे बाइक से, ठीक है मुझे बताते सर बाइक से आता हूँ ऐसे आता हूँ ये होता है वो होता है बड़ा दूर से आता हूँ, चलो ठीक है। बड़ा यार तुम लोगों के साथ अच्छा रिश्ता है, तो यार इस रिश्ते को मेंटेन रखेंगे, कुछ बच्चे यहाँ पे नए ज्वाइन किए हैं तो उनको ये पता हो जाएगा भाई सर याद रख, तो मेरे लिए हमेशा अच्छे रहोगे, ठीक है चलो। थीटा वन थीटा 90 डिग्री को, तो मैंने इन थीटा वन और थीटा टू को दोनों को यहाँ पुट किया, तो साइन थीटा वन वन साइन थीटा टू वन, वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो इस केस में आपका ई परपेंडिकुलर क्या निकल के आएगा, इट विल कम आउट टू बी टू के लैम्डा बाय डी, टू के लैम्डा बाय डी, ठीक है। और जब इसमें डालता हूँ तो कॉस थीटा टू कॉस 90 जीरो, कॉस 90 जीरो, तो यहाँ पे ई पैरेलल क्या आएगा जीरो। देखो आप अगर लॉजिकल बोलते ना, लॉजिकल निकालते तब भी यही आंसर आने भी चाहिए, सॉरी अगर लॉजिकली सोचते तब भी आपका ई पैरेलल जीरो ही आना चाहिए था, क्यों? अबे कुछ सोचा, देखो ई परपेंडिकुलर तो मुझे याद करना होगा, कोई कंसेप्ट है नहीं इसमें, टू के लैम्डा बाय डी ये याद करने सारी चीजें, ई पैरेलल ऑटोमेटिक जीरो आना चाहिए था, क्यों सर? सर क्योंकि सिमेट्रिकल है, अगर इतने की वजह से नीचे आएगा तो इतने की वजह से ऊपर आएगा, तो नेट क्या है आपका कट जाएगा ना ई पैरेलल, अगर इस पार्ट की वजह से ऊपर वाले पार्ट की वजह से नीचे आएगा, नीचे वाले पार्ट की वजह से ऊपर आएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाएगी ना, तो ई पैरेलल क्या हो जाएगा आपका जीरो। दिमाग से भी आप आंसर बता सकते हो, बाकी तो ऐसे याद करो सर। देखो जब सेमी इनफाइनाइट वायर होता है तो इधर के लैम्डा बाय डी और इधर के लैम्डा बाय डी, ठीक है, अब जब इनफाइनाइट हो गया तो दोनों को जोड़ दो, तो आंसर क्या हो जाएगा टू के लैम्डा बाय डी, और ई पैरेलल क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो याद करने का तरीका है जो तुम लगाने लगाओ, नहीं है लगाने मत लगाओ, पर आपको रटा तो ये अच्छे से होना चाहिए, दोनों पार्ट आपको रटे होने चाहिए किसी भी केस में, क्योंकि इस पर सवाल पूछेंगे काफी ज्यादा और काफी अच्छे लेवल के, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, तो अभी तक हमने क्या किया, बार पे हमने पूरा एक घंटा लगा दिया बार पे, लेकिन वो वर्थ है उसके, क्योंकि हम बार पे अच्छे से समझा रहे हैं, बाकी चीज हम आगे नेक्स्ट चीज पे समझेंगे समझेंगे। अब हम दिमाग लगाते हैं आपका, तो कहाँ घुमा रहे हो आपने इसको, सुनो नेक्स्ट अपन लगाने वाले हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज्ड रिंग कैरिंग चार्ज क्यू, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी भी फॉर्मूला, इसका बहुत खतरनाक सा आएगा, लेकिन खतरनाक से डरना नहीं, क्योंकि याद तो करना ही, जब याद करना के अलावा कोई ऑप्शन ना हो तो क्या खतरनाक क्या बेकार। अब सुनो तो यहाँ पे क्या होता है, इसको अगर फील से करोगे ना बड़े आराम समझोगे, और मैं फील से करूंगा, या फिर मैथमेटिक्स करोगे तो बहुत टाइम लगता है मैथमेटिक्स, मैं फील से समझा दूंगा। सुनो तो आपके पास में क्या है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, आपके पास में क्या है एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, वो कैसे दिख रही है सुनो, उसकी एक्सिस पे मैं बात कर रहा हूँ, ऑन द एक्सिस हमको उसके एक्सिस पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो मैंने उसको ऐसे दिखाया, मैंने उसको ऐसे दिखाया, जो रिंग होती है वो कैसी होती है, वो चूड़ी की तरह है, मतलब अंदर कोई माल नहीं भरा है, तो रिंग के पास भी लेंथ ही होती है, रिंग के पास कोई एरिया नहीं होता क्योंकि अंदर कुछ भरा ही नहीं है, जब कुछ भरा ही नहीं है तो कोई सरफेस नहीं है, कोई सरफेस नहीं है तो उसका कोई एरिया भी नहीं और ना कोई वॉल्यूम है। तो इस केस में भी आपका क्या आप लेके चलोगे, इस केस में भी आप लैम्डा कूलम पर मीटर ही लेके चलोगे, इस केस में भी आप क्या लेके चलोगे, आप लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करोगे, इस केस में आप इसकी बात नहीं करोगे, क्या कहते हैं सिग्मा की बात नहीं करोगे और रो की बात नहीं करोगे। अब इसकी एक्सिस क्या होगी सुनो, तो इसकी एक्सिस पे हम बात करें, तो मान लो एक्सिस क्या होती है, बीचों बीच से गुजरती है इसकी एक्सिस इस तरह से, तो इसकी एक्सिस पे हमको कोई पॉइंट दे रखा है आपका, इसकी एक्सिस पे हमको कोई पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, मान लीजिए इस तरह से, इस जगह पे समझना, इस जगह पे पॉइंट दे रखा है, और ये भी बता रखा है आपको कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसके सेंटर से, इसके सेंटर से कुछ एक्स दूरी पर है, ये जो पॉइंट है इसके सेंटर से कुछ एक्स दूरी पर है, ठीक है सर हम ये भी समझ गए, ये सेंटर मान लिया मैंने, ठीक है इसके ऊपर, और इसके ऊपर टोटल चार्ज ये दे रखा है सवाल में, कैरिंग चार्ज टोटल चार्ज क्यों दे रखा है, आप लैम्डा से भी निकाल सकते हो उसको, पर बिना लैम्डा के आप निकाल, टोटल चार्ज क्यों दे रखा है। अब सवाल को कैसे करेंगे सुनना, इस पी पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो समझो बहुत अच्छा सवाल है, विद फील खत्म कर दो सवाल को, बिना बिना उसके दिमाग लगाए
सॉरी दिमाग लगा के सिर्फ फील से खत्म करेंगे, कोई मैथमेटिक्स नहीं लगाएंगे और आंसर आ भी जाएगा तुम्हारा। सोचो तो सुनो होता क्या है, मान लो मैंने क्या किया इस जगह पे, इसका रेडियस आपको आर दे रखा है, मान लीजिए इस पॉइंट पे आपका, समझना उसके बाद मैं आपको समझाई दूंगा जो बचा है। इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज रखा डी क्यू, छोटा चार्ज रखा डी क्यू, हाँ सर समझ गए। और इसकी वजह से मैं इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करता हूँ तो हर बच्चा समझ जाएगा इस बात को कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आएगी वो ऐसे करके आएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी सर वो ऐसे करके आ जाएगी, एक सेकेंड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आ जाएगी वो ऐसे करके आ जाएगी। किसी को मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, हाँ सर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, समझ में भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये किसी एंगल थीटा पे होगा मान लीजिए यहाँ से, चलिए ये भी समझ आ गया। अब बात ये है कि सर आप क्या करोगे, यहाँ पे डी ई निकालोगे, हाँ सर निकालेंगे, फिर से क्या करोगे, क्या डी की डायरेक्शन जब लगातार चेंज कर रहे हैं ना, क्यों सर, जब यहाँ वाला पॉइंट लोगे तो डी ऐसे आएगा, जब यहाँ वाला पॉइंट लोगे तो डी ऐसे निकल के आएगा, हाँ निकल के आएगा, तो ये थीटा हो जाएगा। तो मैं इस केस में भी क्या करूंगा, इस केस में भी आपका एक डी परपेंडिकुलर निकल के आएगा ऐसे, ठीक है, ये सब मैं बाद में मिटा दूंगा या फिर मैं इसको हटा दूंगा, इसका काम करनी है। और यहाँ पे क्या ले लोगे, डी पैरेलल ले लोगे, बिल्कुल बहुत अच्छी बात, समझ आ गया सर, मजा आ गया। अब सुनो, अब बात यह है कि ये डी क्यू चार्ज तो आपने ऊपर ही क्यों लिया, एक बच्चे ने मुझसे बोला सर आपने डी क्यू चार्ज ऊपर ही क्यों लिया, आप इस डी क्यू चार्ज को, इस डी क्यू चार्ज को नीचे भी तो ले सकते थे। बोला हाँ सही तो कह रहा है, ले तो सकता था, बात तो सही बोली, तो यहाँ पे ले लिया। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया होता, यहाँ पे अगर ले लिया होता तो यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला डिस्टेंस लेना होता, हाँ सर ये लेना होता, उस केस में क्या, उस केस में जो डायरेक्शन निकल के आती, उस केस में जो डायरेक्शन निकल आती इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो ऐसे निकल के आती, ठीक है सर, हाँ ऐसे निकल के आती। अब दिक्कत ये है, दिक्कत ये कि डी ई ऐसे निकल के आता तो फिर से डी के दो कम्पोनेंट करने पड़ते, ये फिर से थीटा होता, फिर से दो कम्पोनेंट, एक आपका यहाँ पे डी, इसका डी ई परपेंडिकुलर आता था यही, और उसके बाद में एक डी पैरेलल ऊपर निकल के आता। मतलब सर अगर आता तो क्या ये बाद में कट नहीं जाएंगे, मतलब मैं बोला जब आप ऊपर वाला पॉइंट लेते तो इससे नीचे भी आता, ऐसे एक नीचे भी आता है एक ऐसे भी आता है, एक नीचे भी आता है कैसे आता है, जब आप नीचे वाले पॉइंट पे आते हो तो नीचे वाला के उल्टा आता तो नीचे वाला कट जाएंगे, मतलब ये वाला कट जाएंगे, ये वाला कट जाएंगे, बचेगा ये और ये जुड़ते जाएंगे, ये क्या होते होंगे, इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है यानी डी परपेंडिकुलर वो, तो नेट मुझे फिर से क्या करना है, मुझे आपके पैरेलल कंपोनेंट के बारे में सोचना ही नहीं, मुझे सोचना ही क्या है आपका, मुझे पता है कि सर जो भी डीई नेट निकल के आने वाला होगा ना, जो पूरी बॉडी पे निकल के आने वाला होगा वो एक्चुअली डीई परपेंडिकुलर ही निकल के आएगा नेट, नेट मतलब कि आपको इस पे इंटीग्रेशन निकालना होगा, मतलब आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आने वाला होगा, इसमें डी हटा दो, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आने वाला होगा वो और कुछ नहीं डीई परपेंडिकुलर के ही बराबर निकल के आने वाला होगा। अच्छा इस डी परपेंडिकुलर वैल्यू क्या हो जाएगी सर, वो मैं लिखता हूँ डीई कॉस थीटा। अच्छा किसी के मन में ये पाप आ रहे हो अगर कि सर आपने डी टू डी क्यों नहीं लिया, मतलब सॉरी यहाँ पे आपने टू डी परपेंडिकुलर क्यों नहीं लिया, तो नहीं लेंगे भाई, हम एक बार पहले वाला पॉइंट ले रहे हैं बाद में दूसरे वाला पॉइंट लेने, एक अलग अलग टाइम पे ले रहे हैं, ऐसे नहीं दोनों पॉइंट एक साथ नहीं लिए मैंने, अलग अलग टाइम पे ले रहे हैं, उनको जोड़ रहा हूँ ना मैं एक बार यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इनको फिर जोड़ दूंगा तो ऑटोमेटिक मतलब उसका इंटीग्रेशन है, तुम टू मत लिखो, तुम इंटीग्रेट कर दो ऑटोमेटिक टू निकल के आ जाएगा, ठीक है, तो डी कॉस्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो मतलब मुझे ये निकालना है एक्चुअली डी कॉस्टा। अब डी निकाल कॉस्टा निकालने का क्या करेंगे, पहले डी निकाल लेते हैं, डी क्या होगा, डी निकालना तो बहुत आसान है, क्यों सुनो, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है सर, कौन सा ट्रायंगल, तो देखो ये ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, ठीक है, जिसमें ये क्या है, ये आपका आर है, ये क्या है एक्स है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी सर, ये दूरी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ सर, इस पॉइंट पे डी क्या हो जाएगा यहाँ पे सर, डी यहाँ पे छोटा चार्ज दिया था ना आपने डी क्यू, यहाँ पे अब छोटा चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा के डी क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर जो भी है, तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है सर, ये निकल के आ गया, ठीक है, अब उसको उठा के मैं यहाँ रखूंगा, यहाँ रख दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, समझ आ जाएगा, सब कुछ कर देंगे, तो तुम्हारा जब इसको अब इंटीग्रेट नहीं करने वाला मैं, क्योंकि इंटीग्रेट करने का तुम्हारा काम है, जब तुम इसको खुद सोचो दिमाग लगाओ, तुम्हारा जो भी आंसर आएगा ई का, ई नेट ई जो निकल गया वो क्या निकल गया, के टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज तो सर क्यू है, तो इसलिए क्यू रख दिया, तो क्यू रख दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर मैं जानबूझ के वन लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ करना है आगे, और यहाँ पे क्या लिखा होगा, यहाँ पे कॉस्टा, ये कॉस्टा आएगा ना यहाँ पे, हाँ सर कॉस्टा आएगा, इस कॉस्टा की जगह पे क्या रखता हूँ मैं, कॉस्टा इस ट्राइंगल से, देखो सर ये थीटा है आपका, ये थीटा है, हाँ सर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो यहाँ से कॉस्टा क्या निकल के आ जाएगा सर, कॉस्टा निकल के आ जाएगा आपका एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ कि नहीं, बात भी सही है, तो मैं इसको कॉस्टा को यहाँ पे रखता हूँ तो क्या निकल के आएगा आपका एक्स अपॉन, देखो मैं बिना प्रूफ के भी आपको प्रूफ करवा रहा हूँ, इसकी इसका अंडर रूट, अंडर रूट को हम 1 बाय 2 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो नेट आंसर क्या निकल के आएगा आपका E is equal to K Q X upon ये 1 plus 1 by 2 3 by 2
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 निकल के आ गया, तुम्हारा फॉर्मूला खत्म, यही फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को मैं एक बार लिख देता हूँ साफ साफ तरीके से ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी महसूस ना हो। मान लो इस तरह की आपकी रिंग दे रखी है जिसपे आपका टोटल चार्ज क्यू दे रखा है, ये आपकी इसकी एक्सिस है, ये क्या है आपकी इसकी एक्सिस है। चलिए इस पॉइंट पे कोई इसी जगह पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में कब तब होगी जब आपने इस पर जो चार्ज माना हो प्लस माना है, अगर माइनस माना तो ये डायरेक्शन पीछे की तरफ हो जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई। और यहां से इसका डिस्टेंस क्या दे रखा होगा, इसका डिस्टेंस एक्स दे रखा है, ये आपका सेंटर है। ठीक है, तो अब मैं फिर से बोल रहा हूं, अब आपसे रिंग में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं वो समझ लो। जो इस पेज पे मैं लिखने वाला हूँ ना यही सवाल आपके रिंग से आ सकते हैं, इसके बाहर से कोई सवाल नहीं आएगा। इस पेज पे जो भी मैं लिखने वाला हूँ वो सब आपको क्या करना है, आपको वो सारा पोर्शन रटना है जो भी इस चीज जगह पे मैं लिखने वाला हूँ। तो सुनो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा आपका के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे मुझे याद है वैसे आप लोगों को याद होना चाहिए, टाइम लगेगा प्रैक्टिस लगेगी लेकिन कर सकते हो, की पावर 3/2 ये रटा होना चाहिए ये फॉर्मूला, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार से सवाल आए, कई बार तो सिर्फ डायरेक्ट नीट वालों ने डायरेक्ट पूछ लिया बस बताओ फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पूछ लिया कई बार, तो अगर फॉर्मूला याद नहीं होता तो तुम कुछ भी दिमाग लगा नहीं निकाल सकते और वहां पर नहीं कर पाओगे एग्जाम में, तुम सोचो कि तुम सॉल्व करने बैठोगे तो नहीं कर पाओगे, तुम्हें फॉर्मूला याद करना, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, अब सुनो और सवाल ये भी आता है कई बार कि बताइए एट सेंटर ऑफ रिंग, जब सेंटर ऑफ रिंग पे बैठे होंगे, सेंटर ऑफ रिंग होगा उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो उसको मैं दो तरीके से बताऊंगा। एक होगा जुगाड़ तरीका जिससे तुम्हें आंसर मतलब पेन बिना उठाए आंसर निकालना है, तुम खुद बताओ। मान लो इस तरह से आपकी एक रिंग है और इसका ये सेंटर है, इस पर पूरे चार्ज प्लस जो प्लस चार्ज है फैला हुआ है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है ना, तो पूरे फैला होगा। अब आप तुम लोग जितने बच्चे यहाँ अटेंड करो बिना सोचे समझे बताओ कि सी पे कितना इलेक्ट्रिक निकल के आना चाहिए। हाँ एक्स तो तुम रख दोगे आपका सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बिना एक्स को रखे बिना कुछ दिमाग लगाए तुम बताओ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आएगा, बिना एक्स को रखे कुछ रखे बताओ कि तुम्हारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आएगा। इंशा जी बोल रही है जीरो, आकाश ने एक्स को जीरो रखा है, ये पता है सवाल कहाँ से आया, याद करो सवाल, मैंने एक सवाल इस तरह सवाल कराया था लास्ट क्लास में कि मान लो एक स्क्वायर है इसका सेंटर है, यहाँ पे क्यू रखा 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 है, बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। सबने उस टाइम चिल्ला चिल्ला के बोला जीरो होगा, क्यों, क्योंकि सबकी वजह से अपोजिट होगा, तो वही वाली बात है ना यहाँ पे सर, यहाँ से प्लस तो इसका अपोजिट, यहाँ से प्लस सबका अपोजिट, सबका अपोजिट नेट क्या निकल के आने वाला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर की आनी चाहिए आपकी, जीरो आनी चाहिए। आगे जो गार्ड से दिमाग लगा के अब इस बात को मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, जब कोई चीज मैथमेटिकली सही होगी तो हमेशा सही होगी। तो सुनो मैं क्या बोलूंगा सर, अगर सेंटर पे रखी है तो देखो यहाँ पे है ना ये पॉइंट, अगर सेंटर पे रखना है तो क्या मैं एक्स को जीरो कर दूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा ना, हाँ, तो जब मैं सेंटर पे रखूंगा तो एट सेंटर ऑफ रिंग क्या आपके एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आपको उसका कुछ नहीं, इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करो, जब इस फॉर्मूले को यहाँ पुट करते हो तो ई इज इक्वल टू क्या रखोगे, के क्यू जीरो, नीचे क्या आ जाएगा आपका आर स्क्वायर, चेक करना है नीचे जीरो तो नहीं बनना, नीचे जीरो तो नहीं बनना, चलो अगर नीचे जीरो बता तो जीरो बाय जीरो नहीं डिफाइन कर सकते, तो ये जीरो जीरो से कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से भी वही चीज निकल के एट सेंटर क्या हो जाएगा आपका, जीरो निकल के आ जाएगा। आई होप कि ये सबके समझ आया होगा, क्वेश्चन पूछा गया बिना दिमाग, अबे हिसाब को बिना करे भी आप आंसर निकाल सकते हैं, पर मैंने आपको मैथमेटिकली उस बात को प्रूव कर दिया इनडायरेक्टली, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात आपको निकल के नहीं आनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात है, अब चलते हैं इसके आगे क्या पूछा जा सकता है आपके रिंग में, जितने भी तरह के सवाल बन सकते हैं मैं सारे सवाल यहाँ पे आपको कवर करने की कोशिश करूंगा जो रिंग में अक्सर बनते हैं। ठीक है, अब सुनो फॉर्मूले से रिलेटेड दूसरा चीज आती है कि मुझे बनाना है ग्राफ, चलो ग्राफ बाद में देखते हैं, मुझे पूछता है कि आपका जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम मिनिमम निकालनी है उसका, वो कहाँ मैक्सिमम होगी और कहाँ मिनिमम होगी, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है उसकी, कहाँ होगी उसकी लोकेशन पूछता है, ये पूछता है क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये पूछता है, और मैक्सिमम टाइम पूछता है, मतलब उस एक्स की वैल्यू निकालो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका मैक्सिमम या मिनिमम होगा, उस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये करने के लिए एक कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, याद सुनो सर। मान लो कोई भी फंक्शन है, ये मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा था जब भी आपको मैथ्स की जरूरत पड़ेगी मैं साथ में बताता रहूंगा, जब भी आपको मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू बात करनी होती है, मैक्सिमा या मिनिमा की बात करनी होती है, तो उसको निकालने के लिए, लोकेशन निकालने के लिए, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं आपका dy/dx जीरो कर देते हैं, dy/dx क्या करते हैं जीरो। अब यहां से क्या होता है, यहां से एक्स की कोई वैल्यू सॉल्व होकर आएगी, ठीक है, जहां पे एक्स की वैल्यू सॉल्व आ गई तो उसको हम बोलते हैं कि ये होता है आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, मतलब इस जगह पे या तो y तुम्हारा मैक्सिमम होगा या y तुम्हारा मिनिमम होगा इस जगह पे, ये एक से ज्यादा भी निकल के आ सकते हैं, ऐसा नहीं एक ही निकल के आएगा, एक से ज्यादा भी निकल के आ सकते हैं,
ये मिनिमम भी आ सकता है, मैक्सिमम भी आ सकता है। अब डाउट ये है सर, मैक्सिमम कैसे पता करेंगे कि मैक्सिमम है मिनिमम कैसे? तो एक तरीका या तो डाल दो, पुट कर दो, निकाल लो, या दूसरा तरीका है वो सुनो, मैथमेटिक्स का है। तो हम करते हैं यहाँ पर डबल डिफरेंस, मुझे पता करना है कि मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा, ये सब बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है आपका। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा, डी स्क्वायर वाई बाय डिफरेंशिएट, इसको डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अगर इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू में फिर मैं क्या करूंगा, जो ऊपर मैंने एक्स निकाला है ना उसको डाल दूंगा, ये वाला एक्स डाल दूंगा यहाँ पे। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव निकल के आती है तो मैं बोलता हूँ उस जगह पे क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव निकल के आती है तो उसको क्या बोलूंगा मैं, मैक्सिमा बोलूंगा। ठीक है, उसको मैं क्या बोलूंगा, मैक्सिमा बोलूंगा। अगर कोई बोलता है सर जीरो निकल के आ गई तो मैं बोल दूंगा कैन नॉट से, अभी कुछ नहीं बोल सकता, इसके लिए मुझे एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती, आपको इतने से ही काम चल जाता है, आपका मैक्सिमम काम यहाँ तक आता है, जो बेसिक सवाल आते हैं वो यही आते हैं। अगर आपका डी स्क्वायर, मैं क्या करूंगा इसको वापस से डिफरेंशिएट करूंगा, जो यहाँ पे निकल के आएगा ना उसको वापस डिफरेंशिएट करूंगा, उसमें फिर इस एक्स की वैल्यू को पुट कर दूंगा, और आपका जो भी वैल्यू आ रही है देखूंगा पॉजिटिव है नेगेटिव, अगर पॉजिटिव होगी तो बोल दूंगा कि उस जगह पे मिनिमा होगा, अगर नेगेटिव निकल के उस जगह पे मैक्सिमा। ये पूरी मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स टॉपिक है आपको, उसमें हम पढ़ते हैं मिनिमा को। चलो चलो, ये वाली बात भी आपको समझ आ गई। ठीक है, अब मैं यहाँ बात करता हूँ यहाँ पे किस लगाऊ, या मुझे फिर मैक्सिमम मिनिमम की बात करनी है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे वही मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट के हिसाब से बोलूंगा, सर मैं यहाँ क्या करूंगा डीई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो कर दूंगा। अब दिक्कत यहाँ पे उड़ेंगे कुछ बच्चों के तोते, क्यों सर, ई की वैल्यू है आपकी के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसको डिफरेंशिएट करना कोई सिंपल बात तो है नहीं, तो मैं नहीं करने वाला, ये आप लोगों का काम है, आप लोगों का होमवर्क है, अगर कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो एंड में तो आपको याद करना ही है, आपका काम है ये करना। ठीक है, आपका काम है इसको डिफरेंशिएट करना, कुछ नहीं है, ये चेन रूल से होगा आपका। चेन रूल में क्या है, कांस्टेंट एक बार एक्स को ले लो, दूसरी बार इसको कांस्टेंट मान लो, दूसरी बार क्या करो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको आप सॉरी इसको डिफरेंशिएट कर दो कांस्टेंट रूल से और इसको कांस्टेंट मान लो, कर लोगे मेरे ख्याल से, नहीं कर पाओ कोई बात नहीं। जब इसको हम करते हैं तो एक्स की वैल्यू निकल के आती है आपकी प्लस माइनस आर बाय रूट टू, प्लस माइनस आर बाय रूट टू इसकी वैल्यू निकल के आती है। मतलब जब आपके एक्स की वैल्यू प्लस आर बाय रूट टू होगी, फिर उसके बाद डबल डिफरेंशिएट करोगे, तुम्हें करना है तो यहाँ पे आपका आता है मैक्सिमम निकल के, ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद, और जब एक्स की वैल्यू आप रखोगे माइनस आर बाय रूट टू तो उस पॉइंट पे मिनिमा निकल के आता है, या पुट करके आप निकाल सकते हो, बिना पुट करे भी निकाल सकते हो। कैसे सर, प्लस है तो यहाँ पे एक्स प्लस में आ जाएगा तो प्लस वाला बड़ा होता है, यहाँ माइनस रख दोगे तो माइनस वाला छोटा आता है, तो ऑटोमेटिक मिनिमम बनेगा। ठीक है, ये हो गया। तो इस चीज को याद रखना है, कहाँ वो लोकेशन जहाँ पे आपका, वो लोकेशन जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। लास्ट चीज जो बच्चों यहाँ से पूछी जा सकती है, ठीक है हुआ, लास्ट चीज जो यहाँ से पूछी जा सकती है वो होती है आपकी कि आपका ग्राफ पूछा जाता है। तीन तरह के सवाल आपके यहाँ से जनरली बनते हैं। लास्ट चीज जो बच्चों यहाँ से पूछी जाएगी, समझ लो वापस से कहाँ गई, हाँ लास्ट जो चीज यहाँ से पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्स। अब फिर से तोते उड़ेंगे कुछ बच्चों के, पर फिर से मैं आपको बहुत सिंपल सा ग्राफ बना के बताऊंगा। तो सुनो, अब ई का फॉर्मूला क्या है सर, ई का फॉर्मूला तो बड़ा खतरनाक सा है, कोई स्ट्रेट लाइन तो दिख नहीं रही, कोई पैराबोला तो दिख नहीं रहा, बहुत ही खतरनाक सा फॉर्मूला दिख रहा है, ऊपर भी एक्स नीचे भी एक्स है, तो कैसे करूँ इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी नहीं बोल सकता, इसको इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी नहीं बोल सकता, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ऊपर है नीचे इनडायरेक्टली भी है, तो अब कैसे करूँ सर इसको, तो इसको करने का कोई तरीका नहीं है। तो आपको या तो ग्राफ बनाना बहुत अच्छा आता हो, नहीं आता तो सुनो जो जुगाड़ मैं बताने वाला हूँ उससे बना लेते हैं, ठीक है, उसलिए तो आया हूँ मैं जुगाड़ करने तुम्हारी, तो सुनो कर ले जुगाड़, कर ले तू कोई जुगाड़, तो सुनो जुगाड़ 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 पता है हमारे यहाँ एक गाड़ी होती है जो जुगाड़ बोलते हैं, हमारे यहाँ एक गाड़ी होती है, अब तो शायद बंद हो गए, चलना होता चलते नहीं है, हमारे एक गाड़ी आती थी जिसको जुगाड़ बोलते हैं, ठीक है, वो भी ऐसी बनाई जाती है जबरदस्ती की चीज से। तो सुनो कांग्या हाँ, तो कैसे बनाएंगे सुनो, ध्यान दो, मैंने अगर बोला इसको देखो, इसको देखो रिंग को, जो ये समझ जाएगा समझ जाएगा, अगर पॉइंट आपका यहाँ रखा होता है इसको हम प्लस साइन लेते हैं, इसको इस तरफ हम नेगेटिव साइन लेते हैं, एक्स एक्सिस है ना एक्स एक्सिस, तो अगर पॉइंट यहाँ रखा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है, अगर पॉइंट यहाँ रखा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है। तो इतना तो हर बच्चे को समझ में आ रहा है कि सर जब आपका इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं और यहाँ पे एक्स बनाते हैं, जब आपका जो पॉइंट है वो इस पॉजिटिव साइड पे रखा है, इतना पता है हर बच्चे को, क्या जो है सेंटर पे जीरो होता है तो कर्व यहां से जरूर पास करेगा। अब दूसरी बात सुनो, एक और बात पता लग गई ऊपर से कि सर आर बाय रूट टू पे, आर बाय रूट टू पे क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है, और आर बाय माइनस आर बाय रूट टू पे आपका मिनिमम मिलता है, ठीक है। और अब सुनो,
मैंने बोला कि सर जब मैं एक्स की साइड रखता हूँ इस पॉजिटिव साइड, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर ही निकल के आएगा ना, हमेशा इधर, हाँ सर इधर ही निकल के आएगा, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव निकल के आएगा, यानी जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव मतलब ऊपर रहेगा यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो नेगेटिव साइड आता है, यानी इसमें नीचे रहेगा हमेशा, सही है। अब बात यह कि हम हर बच्चा जानता है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चाहे पॉइंट चार्ज हो चाहे कंटीन्यूअस बॉडी कोई भी, इनफाइनाइट पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो को टेंड करेगा, इनफाइनाइट एक्स पे जीरो को टेंड करेगा, और यहाँ पे इनफाइनाइट पे टेंड करेगा, तो या तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे जीरो को टेंड करेगा, सिमिलर यहाँ पे मैंने क्या बोला हमेशा प्लस में रहता है, प्लस में रहने का मतलब ऊपर ही बनेगा ग्राफ। ये भी बोल दिया कि सर इस जगह पे क्या होता है, इस जगह पे मैक्सिमम होता है, कर्व यहाँ से पास होना चाहिए और फिर उसको ऐसे करके हम ऐसे करके बना के फिर हम ऐसे करके लेके जाते हैं। आई होप कि ये कैसे बना सबको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं यहाँ पे मैक्सिमम बनाना है, यहाँ से ही पास करना चाहिए और आगे जाकर जीरो होना चाहिए, तो ऐसे बन गया। नीचे क्या होगा, नीचे बस इसका उल्टा हो जाएगा कि आपको यही चीज सेम टू सेम नेगेटिव बनानी है, तो आपने क्या किया ऐसे लेके गए और उसको फिर ऐसे करके बस बन गया, ये हो गया तुम्हारा जुगाड़ से आंसर, ये क्या हो गया तुम्हारा जुगाड़ से, इस तरह से आंसर। समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बता दो कि ग्राफ मैंने कैसे बनाया, ये ग्राफ बहुत ज्यादा पूछे गए बच्चों, मिस नहीं कर सकते आप चीज को, ये ग्राफ बहुत ज्यादा पूछे गए एग्जाम में। समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बोल जाओ, ठीक है आगे होगा, बाकी बच्चों को आया नहीं आया, बाकी बच्चे बोलते नहीं सोते रहते हैं, तो आपसे रिंग पे ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है और ये पूछा जा सकता है। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम दो चीजें और बची हैं जो हमको पढ़नी है, ऊपर वो बहुत छोटी है क्योंकि जो नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं वो थोड़ी सी हार्ड भी है, ठीक है, पर फिर से मैं बताना हार्ड तो हम पढ़ ही रहे हैं सब कुछ, लेकिन आसान तरीके से पढ़ना हमारा काम है क्योंकि हमें फॉर्मूले से ज्यादा मतलब है। नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ऑफ अ चार्ज डिस्क। चलो बहुत बढ़िया, समझो कहां गया हाँ ये रहा, ठीक है अब सुनो, जो हमने रिंग की लिए किया वही हम डिस्क के लिए करते हैं, कैसे करते हैं बता देता हूं पर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है समझना, इसलिए फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला भी इसका थोड़ा खतरनाक सा आता है पर समझ लो। तो डिस्क कैसे होगी, डिस्क की एक्सिस, तो डिस्क ऐसी होगी, बस फर्क क्या होता है डिस्क और रिंग में, रिंग के अंदर कोई माल नहीं भरा हुआ, डिस्क के अंदर माल होता है, एक प्लेट की तरह होता है, ठीक है। तो ये होगी इसकी एक्सिस, ये होगी एक्सिस, और इस पे मैंने ये पॉइंट ले लिया पी, जिसका सेंटर से डिस्टेंस क्या है, सेंटर है ये, इसका सेंटर से डिस्टेंस क्या है, सेंटर से डिस्टेंस है उसका एक्स। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बच्चा हर बच्चा फिर से जाता है मैं वही कंसेप्ट है, ऊपर वाला पॉइंट लोगे तो नीचे ऐसे निकल के आएगा, नीचे वाला पॉइंट लोगे तो ऐसे निकल के आएगा, इसके पैरेलल और इसके पैरेलल ऊपर नीचे वाले कट जाएंगे, और कटने वाले से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब क्या होगा कि आपकी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकल के आने वाली है वो ऐसे ही निकल के आएगी। तो मेरे ख्याल से ये तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सर ये कैसे निकल के आएगी, आपको मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम तो नहीं होती। अब इसको निकालते कैसे हैं, प्रूफ कैसे करते हैं सुन लो, अगर इंटरेस्ट है तो, नहीं इंटरेस्ट तो मैं फिर बता ही देता हूँ डायरेक्टली, फिर भी सुन लो। अब सुनो ये हो गया डिस्क, कैसे निकालते हैं, तो डिस्क मैं सामने से देखने चाह रहा हूँ, इस पे एक्सिस है, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ, मैं एक काम करूंगा आर पे जाके डी आर की एक पतली सी स्ट्रिप लूंगा, आर पे जाकर डी आर की एक पतली सी स्ट्रिप लेता हूँ, पूरा कंसेप्ट सुन लो, निकालते कैसे, निकाल तो आप लेना ही, वैसे निकालना जरूरी है, एक पतली सी स्ट्रिप ले ली, और ये पतली सी स्ट्रिप इतनी पतली होती है कि इसको मैं एज अ रिंग की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, इतनी पतली होती है ऐसा नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ इस बार आपको लैम्डा नहीं लेना है, इस बार आप क्या लोगे सिग्मा लोगे, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इस बार एरिया आ गया ना, आपको जो चार्ज है पूरे एरिया पे पूरे प्लेन पे पूरे सरफेस पे लगा हुआ है, तो इस बार आप सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करोगे या प्लेनर चार्ज डेंसिटी की बात करोगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस छोटे से एलिमेंट को देखता हूँ, इस छोटे से एलिमेंट को मैंने देखा, ठीक है, और ये इसका इसको अगर मैं बात करूं तो इसको मैं एक जगह से यहां से मैंने इतना पोर्शन काट दिया और काट के मैंने क्या किया, इसको ऐसे फैला लिया, इसको काट कैसे, ये बहुत बार बताई जाती है, ये सब हम उसमें ही पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास टॉपिक में पढ़ते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पढ़ते हैं सब कुछ, ठीक है। तो ये होता है, अब इसकी मोटाई क्या है, आर का लिया था और इसकी मोटाई यहाँ पे क्या ली गई थी, यहाँ पे इसकी आर पे जाकर जब एक्स पे जाकर डीएक्स लेते हैं तो आर पे जाकर क्या लेंगे डी आर लेंगे, तो इसकी मोटाई क्या है, इसकी मोटाई डी आर है, तो मतलब जब ये एक रेक्टेंगल आपके सामने बन जाएगा जिसकी मोटाई क्या होगी डी आर, और इसकी लंबाई क्या होगी, ये वाली लंबाई क्या होगी, मैं क्यों लिख रहा हूँ लंबाई अभी एक मिनट समझा जाएगा, लंबाई क्या होगी ये मेरा बताने का जरूरी है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, लंबाई तो ये हो जाएगी ना, ये जो लंबाई ये लंबाई हो जाएगी, ये लंबाई क्या है, ये सर सर्कमफेरेंस है इसका, सर्कमफेरेंस है ना, रेडियस क्या है इसका स्मॉल r, r पे जगह dr लिया था, रेडियस स्मॉल r, इसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई r, तो आपके सामने एक रेक्टेंगल बनके तैयार हो गया, एक रेक्टेंगल बनके तैयार हो गया, तो रेक्टेंगल का इस रेक्टेंगल एरिया क्या हो जाएगा, छोटा सा एरिया ना एलिमेंट है, छोटा सा एरिया लेंथ इनटू विड्थ, तो आपका 2 पाई r dr हो जाएगा।
अच्छा सर, ये आपने एरिया निकाला क्यों, इतनी मेहनत कर क्यों रहे हो? क्योंकि याद करो मुझे यहाँ पे सिग्मा दिया होगा, और सिग्मा क्या होता है आपका? सर सिग्मा होता है आपका चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज क्या होगा यहाँ पे? स्मॉल चार्ज हो जाएगा डी क्यू, जो मुझे निकालना है एलिमेंट पे स्मॉल चार्ज डी क्यू अपॉन एरिया। एरिया क्या हो जाएगा आपका? डी ए। अब मुझे बस वैल्यू रखनी, तो मैं डी क्यू क्या रखता हूँ? डी यू इज इक्वल टू सिग्मा इन टू डी ए, और डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? डी ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी सिग्मा 2πrdr। अच्छा मैंने क्यों किया, याद होगा मैंने जब चैप्टर की स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था कंटिन्यूस बॉडी में कुछ भी करके आपको चार्ज को एज अ आर डी आर इनके टर्म्स में रखना है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी आर पे डिपेंड करती है। अब सुनो, अब मैं इसको वापस देता हूँ। तो यहाँ पर थी ना वो जो आपकी मैंने इस तरह से मानी थी एलिमेंट। हाँ, अब इस एलिमेंट को तुम अगर ध्यान से देखोगे, ये एलिमेंट पतला सा है ना, मोटाई तो तुमने अपने मन से लिया, एरिया निकालेंगे पतला सा है ना, और यहाँ पे रखना है, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे आई है। तो तुम्हारा तुम अगर तुम ध्यान दो तो ये किसकी तरह काम कर रही है? ये एक रिंग की तरह काम कर रही है। तो ये एलिमेंट क्या बनेगा? एक रिंग एलिमेंट बनेगा। और रिंग के एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज होगा? रिंग के ऊपर एलिमेंट क्या है आपका? डी क्यू, जिसकी वैल्यू आप नीचे निकाल चुके हो। इस बार मैं जब फॉर्मुला लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? रिंग का फॉर्मुला क्या था? के क्यू, क्यू की जगह पे यहाँ पे डी क्यू ले लूंगा, एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी आर स्मॉल लेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये रख लेंगे। अब तुम एक काम करना, डी क्यू को उठा के यहां से पटकना, ठीक है, वो डी आर में सॉल्व हो जाएगा, उसको रखना। अच्छा इंटीग्रेशन है इसका, इंटीग्रेशन आसान नहीं है, लेकिन जो बच्चे क्लास 12 में मैथ्स पढ़ के आए होंगे जिनको बहुत अच्छे से, हाँ मुकुल जी फॉर्मूले याद करने बस, ठीक है, जो पढ़ के आए होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसका इंटीग्रेशन करना। तो जो मैथ वाले बच्चे हैं उसको इंटीग्रेशन करना चाहिए, बाकी इंटीग्रेशन करना आपका काम है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो आपकी जिम्मेदारी। अगर किसी को दिक्कत आती है इंटीग्रेशन करने में तो मुझे अलग से कॉन्टेक्ट कर लेना है, ग्रुप पे बता देना, मैं ग्रुप पे आपको इसके वो भेज दूंगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भेज दूंगा, इंटीग्रेशन कैसे करा जाता है वो कर लूंगा। हाँ तो सुनो, तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो आपका फॉर्मूला निकल के आएगा वो समझो, फॉर्मूला निकल के आएगा आपका ड्यू टू दिस इट इज एट एनी पॉइंट एक्स, वो निकल के आएगा आपका सिग्मा, जो कि यहाँ चार डेंसिटी लिख रहे ना, बाय 2 एप्सिलॉन। अरे सर एप्सिलॉन कहां से आ गया, हम तो के में कर रहे थे। अब के को मैंने जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना इसको, तो मैंने वहां पे के पे कहीं पे के को मैंने 1/4πε रोक दिया होगा, और फॉर्मूला बनेगा आपका 1 - x / x² + r² बच्चों ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है, ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है। सर इतना बड़ा फॉर्मूला बड़ा नहीं है, जब एग्जाम में पूछा गया ना तो याद करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 ε₀ इनटू 1 - x / √, सॉरी रूट लगाया मैंने यहाँ पे, क्या रूट लगाना भूल गया मैं, एक सेकंड, याद था पर मैं भूल गया, हाँ एक सेकंड, अरे मिल जाओ ये रहा। तो यहाँ पे लगा देंगे अपन √x² / r², फॉर्मूला याद करना है आपको, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड रूट ओवर डिस्टेंस इक्वल टू सिग्मा बाय 2 ε₀ इनटू 1 - x / √r² + x² की पावर, सॉरी पावर तो उसमें आता है, ये हो गया, ये फॉर्मूला आपको रट करना है। पर अच्छी बात क्या है, फिर से अच्छी बात क्या है, बैटरी के तो पे चार्ज भी लगाओ। अच्छी बात क्या है कि आपको सिर्फ ये फॉर्मूला रखना है डिस्क में, और कुछ नहीं पूछेगा आपसे, डिस्क में आपसे कुछ और नहीं पूछेगा। तो अच्छी बात है कि जितना अभी हम आगे पढ़ने की सोच रहे थे, बोले थे ना कुछ और भी है, डिस्क में कुछ नहीं, डिस्क में तुमको अगर ये फॉर्मूला याद है इट इज मोर देन सफिशियंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम जाते हैं लास्ट पे, आज की लास्ट चीज पढ़ते हैं। देखो लास्ट तो मैं उसको एक्चुअली नहीं कहना चाहिए, मुझे लास्ट तो एक्चुअली मुझे नहीं कहना चाहिए, वो आपका और भी है सीन, पर हाँ फिर भी एक तरह से लास्ट हो सकते हो, ठीक है, वो है आपका, फिर मैं एंड में समराइज कराऊंगा आज की पूरी क्लास। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लार्ज शीट, अब आगे और ही बढ़ना है, अभी हम कभी आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स मेक अ 2 आवर क्लास टुडे, ओके एज यू से, पर आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो तो मेरा डिपेंड करता है कि मैं क्या सोच के आऊँ, कितना पढ़ाना है। अबे क्लास से क्या है बे, तुम पूरे दिन करते क्या हो, क्लास ही कर लो, ट्राई कर लो। मुझे लगता है कुछ अच्छे बच्चे हैं जो आप काफी डिस्कस करते हैं डिस्कशन ग्रुप पे, बहुत अच्छी बात है, ग्रुप पे डिस्कशन किया करो, और कृपया करके जब कोई डाउट पूछा करे तो प्लीज बड़े ज्यादा बड़े मत बनो, जमीन पे आके चुपचाप से रिप्लाई कर दिया करो अगर तुम्हें आता है उसका आंसर, यार नहीं भी आता तो कम से कम कोशिश तो करो, ठीक है। तो सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड टू इनफिनिटी चार्ज, देखो इससे पहले जो पढ़ के आए हैं ना, इसको जो पहले पढ़ के आए हैं उसको ही यूज करने वाले हैं। तो इनफाइनाइट शीट कैसे दिखती है सर? ऐसे एक शीट होगी आपकी, ठीक है, और ये इनफाइनाइट मतलब ये नीचे भी जा रही होगी,
हम बनाते सिर्फ शीट ही हैं, और ये ऐसे भी जा रही होगी और ये ऐसे भी जा रही होगी और ये चारों तरफ बढ़ रही है। और यहाँ पर क्या है, इस जगह पे एक पॉइंट दे रखा होगा, मुझसे बोलता है कि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो निकाल के बताओ, अगर इस पे पूरे पे चार्ज फैला हुआ है आपका, और क्योंकि एरिया होगा ना यहाँ पे, तो इसमें हम क्या लेके चलेंगे, इसमें सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर लेके चलेंगे। ये भी बात आपको समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया, मजा आ गया, अच्छी बात, आगे सुनो। आगे ये बात दरअसल ऐसे कि इतना तो हर बच्चा दिमाग लगा के बता सकता है कि सर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन निकल के आएगी वो तो 100% ऐसे ही निकल के आएगी। क्यों निकल के आएगी, क्योंकि चार्ज की डायरेक्शन प्लस, अगर ये माइनस करो तो उल्टी होती, बस इतना है। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अब सुनो इसको निकालें कैसे, तो ट्रिक से निकालते हैं इसका। तो सुनो मान लो आप बस में डिस्क आई थी ना, डिस्क सुनो, डिस्क आई थी, यहां से डिस्क आई थी, डिस्क का क्या आंसर निकल के आया था, डिस्क का आंसर निकल के आया था आपका सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट निकल के आया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात यह है कि अगर सुनो, अगर मैं इस डिस्क को चारों तरफ खींचना शुरू कर दूं, सूरज नहीं बन रहा है, इस डिस्क को चारों तरफ, तो थोड़ी सी यहां से ऐसी हो जाएगी, 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 हाँ कि ना, बिल्कुल सही बात है। और क्या उसी टाइम पे अगर मैं डिस्क को चारों डायरेक्शन खींच दूं, तो क्या यही डिस्क और कुछ नहीं, क्या तुम्हारी ये इनफाइनाइट शीट की तरह काम कर रही है, नहीं कर रही है, बात समझ में आई नहीं आई। अगर मैंने उस डिस्क को, गोल डिस्क को चारों तरफ से खींचना शुरू कर दिया रेंडमली, तो वो टेढ़ी मेढ़ी खींच गई और उसको इनफाइनाइट तक खींचे जा रहा हूं, खींचे जा रहा हूं, खींचे जा रहा हूं, तो क्या वही डिस्क तुम्हारी एज अ शीट काम करने लग गई। ये जुगाड़, हम इसको जुगाड़ से निकालने हैं, बाकी तरीका और भी इसके तरीके हैं, जो तरीके हम बाद में पढ़ेंगे। तो हमने बोला हाँ सर इनफाइनाइट शीट की तरह काम करेगी, ठीक है, तो उसमें भी क्या ये फॉर्मुला वैलिड है, हाँ सर उसमें भी फॉर्मुला वैलिड है, लेकिन लेकिन क्योंकि ये इनफाइनाइट है। अब एक चीज इनफाइनाइट क्यों होती है, सुनो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है। क्या इनफाइनाइट का मतलब हमेशा यही होता है कि कोई बहुत बड़ी चीज जो कभी खत्म ही नहीं हो रही, क्या उसको इनफाइनाइट बोलते हैं? आंसर है नहीं, इनफाइनाइट एक रिलेटिव शब्द है। जैसे इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत बड़ा, किसी के कंपैरिजन में बहुत बड़ा। अब कोई चीज बहुत बड़ी कैसे कब होती है, तो सुनो मान लो तुम यहां पे, तुम्हारी अर्थ है छोटी सी और तुम यहां पे सैटेलाइट है, यहां पे ठीक है, यहां पे तुम्हारी सैटेलाइट है और इस पे तुम बैठे हुए, ध्यान देना कुछ अच्छी चीज बताने वाला हूं यहां पे, अगर ये चीज समझ आ गई तो मजा आ जाएगा, ठीक है। यहां पे तुम तितली नहीं है, सैटेलाइट है, तुम तितली समझ के इस पे या बोटाई समझ के इस पे खड़े हो जाओ, ठीक है, तितली यहां पे सैटेलाइट, तितली बोल रहा हूं, सैटेलाइट है। जब तुम इस अर्थ को देख रहे हो यहां से, तो क्या तुम्हें अर्थ छोटी दिखाई दे रही है? सर मुझे अर्थ काफी छोटी दिखाई दे रही है, मतलब मुझे अर्थ फाइनाइट साइज की दिखाई दे रही है जब मैं बहुत दूर से देखता हूं। लेकिन तुम क्या करे, तुम इसी अर्थ पे आके खड़े हो गए अब, तो क्या तुम कभी अर्थ को गोल देख पाते हो क्या, या अर्थ को पूरा देख पाते हो कि नहीं? सर मेरे लिए अर्थ एक इनफाइनाइट बॉडी की तरह बन जाती है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी मैं देख ही नहीं पा रहा कहां पे खत्म हो रही है। तो क्या वही अर्थ तुम्हारे लिए इनफाइनाइट बन गई? हाँ सर इनफाइनाइट साइज की बन गई। इसका मतलब कि जब हम किसी बॉडी के बहुत पास आ जाते हैं ना, जब हम किसी बॉडी के बहुत पास आ जाते हैं, तो वो बॉडी हमारे लिए ऐसा इनफाइनाइट बॉडी काम करना शुरू कर देती है। कोई चीज इनफाइनाइट होती नहीं है, वो इनफाइनाइट हो सकती है जब आप इस उसको बहुत ही पास से ऑब्जर्व करो। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी बिल्डिंग के सामने खड़े हो, कोई चार मंजिल की बिल्डिंग है, जैसे मुंबई में, दिल्ली में कुछ बहुत बड़े ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है, 10-11-12 मंजिल की बिल्डिंग भी होती है, नोएडा में आपकी 20-20 मंजिल की बिल्डिंग है, आप जब उसके पास खड़े होते हो तो क्या इतनी ऊंची दिखाई देती है? अरे सर इतनी ऊंची है, मेरी तो गर्दन टेढ़ी हो गई इसको देखते देखते, हाँ के ना, बिल्कुल। लेकिन आप उसी बिल्डिंग से जब बहुत दूर आ जाओ, लगभग आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर आ जाओ, तो क्या वही बिल्डिंग आपको छोटी दिखाई देती है? मतलब दिख सकती ना, सर आराम से देख पा रहा हूँ। मतलब कोई चीज को जब आप बहुत दूर से देखते हो, बहुत दूर से ऑब्जर्व करते हो, तो वो आपको फाइनाइट साइज की नजर आती है। अगर आप किसी छोटी चीज को ही भले बहुत ही पास से देखो ना, तो वही चीज आपके लिए इनफाइनाइट बन जाएगी। मतलब कि अगर मुझे किसी चीज को, किसी फाइनाइट चीज को इनफाइनाइट साइज का बनाना है ना, तो मैं क्या करूंगा, उसके बहुत करीब चला जाऊंगा, उसके पास ही घुस जाऊंगा, इतना करीब चला जाऊंगा कि उसके बिल्कुल पास जा घुस जाऊंगा। मतलब कि अगर मुझे इस डिस्क को, अगर मुझे एक इनफाइनाइट शीट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, जो डिस्टेंस में एक्स लेके चल रहा था ना, उसको मैं काटते काटते बिल्कुल उसके अंदर ही घुस जाऊंगा, बिल्कुल उसके पास ही आ जाऊंगा, बिल्कुल बहुत ही पास, इतना पास कि एक्स की वैल्यू लगभग जीरो हो जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लगभग जीरो। अगर एक्स की वैल्यू जीरो हो गई, तो इस पॉइंट के लिए, तो इस पॉइंट के लिए कैसे काम करेगी, इनफाइनाइट शीट की तरह काम करेगी। या तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं शीट को खींचते रहूं, पर कितना खींच पाओगे, एक लिमिट हो जाएगी जहां तक खींच नहीं पाओगे, उसके बाद खींच नहीं पाओगे, तो इनफाइनाइट आप बना तो नहीं सकते, लेकिन आप इनफाइनाइट की तरह से ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आप उसकी बहुत पास करो। एग्जांपल के लिए आप किसी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को देख रहे हो, तो आपको दूसरा पहाड़ इतना बड़ा नहीं दिखता, लेकिन उसी पहाड़ की जब जस्ट आप उसके फुट पे खड़े हो जाओ, तो पहाड़ ऐसे दिखेगा कितना ऊंचा पहाड़ है, कितना इनफाइनाइट पहाड़ है। सब वो एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल जैसे चींटी है, चींटी अगर बहुत दूर से एक हाथी को देखती है, तो उसे हाथी दिखता है, हाँ भाई एक हाथी है, पर वही चींटी अगर हाथी के पैर के पास आई खड़ी हो जाए, अगर हाथी पैर नहीं हिला रहा तो, वरना तो मरी जाएगी, अगर वही चींटी उस हाथी के पैर के पास आई खड़ी हो जाए, तो
उसे थोड़ा नजर आएगा हाथी है क्या, वो तो लगेगा कुछ है मेरे सामने, कोई बहुत बड़ी चीज है। बस उसी हिसाब से सारी बात है कि अगर आप किसी चीज के बहुत करीब चले जाओ तो वो आपको इन्फाइनाइट करेगी। तो अगर मुझे इन्फाइनाइट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं क्या करूंगा आपका, मैं इस केस में जुगाड़ तरीके से एक्स की वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली जीरो मान लूंगा इन अ चार्ज डिस्क। एक चार्ज डिस्क में एक्स की वैल्यू को लगभग जीरो, और एक्स की वैल्यू जीरो रखते ही इस जगह पे आप एक्स की वैल्यू जीरो दोगे, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, सिंपल सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन। और ये फॉर्मूला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फॉर्मूला हम वापस पढ़ेंगे आपके कैपेसिटर में। कैपेसिटर में बच्चों ये फॉर्मूला वापस निकल के आ जाएगा, इसलिए प्लीज ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए, प्लीज क्या चुपचाप रटना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए आपका। बाद में हम एक शीट नहीं, दो शीट लगाएंगे, तीन शीट लगाएंगे, चार शीट लगाएंगे, लेकिन आपको एक शीट के द्वारा तो पता होना चाहिए। तो ये आपको फॉर्मूला नहीं चाहिए, ये फॉर्मूला ऐसे याद करो, फॉर्मूला क्या याद करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली डार्क शीट ऑन वन साइड, किसी एक साइड की बात कर रहा हूं, दोनों साइड के बराबर बात नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों साइड तो जीरो हो जाएगा ना। मान लो तुमने ऐसे ले ली शीट, यहाँ पे वो लोग सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट कहाँ पे, इस तरफ, यहाँ पे वो लोग सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट इस तरफ, तो नेट क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा आपका जीरो। ये सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम में सवाल पूछे गए, इसका नेट क्या हो जाएगा, नेट तो जीरो हो जाएगा, ये सवाल एग्जाम में पूछे गए। बच्चे, कोई बच्चा सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट करके आता है, कोई बच्चा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट करके आ जाता है, कोई बच्चा सिग्मा जीरो करके आता है, अलग अलग आंसर करके आते हैं, एग्जाम में पूछे गए कई बार सवाल। और बाद में हम ऐसे सवाल करेंगे कि भाई मान लो यहाँ पे एक शीट है, एक शीट है, एक शीट है, बताओ टोटल क्या होगा। तो इस तरह के सवाल तभी कर पाओगे तुम्हें एक शीट के द्वारा पता है। इसलिए इसका फॉर्मूला ऐसे याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑन वन साइड। एक बात तुम ध्यान दोगे कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। देख रहे इस बात को कि मतलब इनफाइनाइट शीट की वजह से यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना है उसमें डिपेंड नहीं करता। तो तुमने ऑटोमेटिकली एज्यूम कर रखा है कि इनफाइनाइट है तो तुम बहुत पास ही होगे उसके, ठीक है। तो ये सवाल भी एग्जाम में कई बार पूछे गए कि ऐसा सवाल पूछता है कि अ पॉइंट, देखो मैं उस क्वेश्चन को नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन, आपको मॉडल मिल जाएंगे क्वेश्चन कि एक पॉइंट है आपका वो 2 सेंटीमीटर पे है शीट से, एक पॉइंट है आपका जो 4 सेंटीमीटर पे है शीट से, बताओ दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिस्टेंस होगा। बच्चे पागल हो जाते हैं, बच्चों को बस एक चीज याद होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा आपका तो 4 टाइम्स हो जाएगा, ये डबल होगा तो 4 टाइम्स 1/4 हो जाएगा। गलत है बच्चों, एक बात याद रखना, इसको सिर्फ ये बच्चे कहता है सिर्फ याद रखना, ये फॉर्मूला आप सिर्फ तब लगाना जब पॉइंट चार्ज हो, ये E is indirectly proportional to 1/x² सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, बाकी किसी के लिए वैलिड नहीं होता है, ठीक है। बाकी की जो कंटिन्यूस बॉडीज है उनके सबके अपने अपने फॉर्मूले हैं, और जिसके अपने अपने फॉर्मूले हैं आप उस फॉर्मूले से आंसर बताओगे ना। तो अगर 2 सेंटीमीटर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन है तो आपका 4 सेंटीमीटर पे भी 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन होगा, बिकॉज इनफाइनाइट में आपका क्या रहता है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ये सब सवाल एग्जाम के, ठीक है। चलो अब हम कर लेते हैं चैप्टर का समराइज। अब बोलेंगे बच्चे और चलो चलना बंद नहीं हो रहा है, अब हम कर रहे हैं समराइज, और समराइज में जो भी चीज लिखाने वाला हूँ ये आपको रटी होनी चाहिए। इसके एक आध चीज हम छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, आज भी जो हमने पढ़ लिया छोड़ सकते हैं, वो मैं पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा सारी चीज जो हमने आज के पर, एक आध चीज आप छोड़ सकते हो। तो सुनो, मॉड्यूल इज इनफ फॉर, यस मॉड्यूल इज मोर देन इनफ फॉर नीट। मॉड्यूल अगर तुमने इज्जत से लगा लिया पूरा, नीट वाले बच्चों के लिए अगर तुमने मॉड्यूल इज्जत से लगा, इज्जत से मेरा कहने का मतलब एक एक सवाल लगाया है अपने इच्छा से, अपने खुद से सवाल लगाया है, तो इट इज मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ड्यू टू यूनिफॉर्म रॉड। तो इस रॉड में मैंने आपके दो केस करवाए थे, रॉड में क्या केस करवाए थे आपके, एक केस में था मेरा अलोंग द लाइन, अलोंग द लेंथ, मतलब मैं डायग्राम बना के समझा रहा हूँ, इस जगह पे, तो इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है आपकी, लेंथ एल है, इसका लैम्डा कूलम पर मीटर दिया होता है, और ये डिस्टेंस आपका ए है। तो इस क्या केस में करके थी, याद कर पाओ तो अच्छी बात, नहीं याद कर पाओ तो कोई बात नहीं, सवाल सॉल्व करना होगा। के लैम्डा एल अपॉन ए इंटू एल प्लस ए, ये निकल के आता है इस केस में। दूसरा केस क्या था आपका, अब दूसरा केस में था आपका कि मैंने इस तरह से रखा है कि ये आपका है थीटा वन इस तरह से, ठीक है, और आपका यहां से है थीटा टू इस तरीके से। सारा रिवाइज करा रहा हूं, अभी रिवाइज हो जाएगा, और आखिरी में आपको ये पेज जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, जो आखिरी समराइज लिख रहा हूं, ये आपको सारा रटा हुआ होना चाहिए। दो पेज लगेंगे इसमें और सारा याद हो जाएगा। ये होता है डी। तो इसमें आपका एक ई परपेंडिकुलर याद करना होता है और एक ई पैरेलल याद करना होता है। ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या था, ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला निकल के आया था आपका के लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू।
ठीक है। और दूसरा कहता है ये तो मतलब जो पेज मैं लिख रहा हूँ ये अगर याद हो जाए ना तुम्हें तो ये मान लो इलेक्ट्रिक बिल तुम्हारा खत्म है क्योंकि कल को नया टॉपिक शुरू होगा। दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 2 - कॉस थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूस चार्ज बॉडी के लिए बस ये जो आगे मैं समराइज करने वाला हूँ ये सब याद कर लेना बस। दूसरा इसमें फिर हमने दो केस और किए थे, इसमें दो केस और क्या क्या किए थे आपका, एक किया था मैंने सेमी इनफाइनाइट वायर किया था। सेमी इनफाइनाइट वायर में ऐसे बनाया था मैंने, पी पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया था, ठीक है। और आपका मैंने क्या बोला, थीटा 1 क्या हो जाता है यहाँ पे 90 हो जाता है, थीटा 2 क्या हो जाता है 0 हो जाता है। जब इनकी वैल्यू को मैंने डाला था और सॉल्व किया था तो मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल के आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी एक तो ऐसे ई परपेंडिकुलर, और दूसरी क्या निकल के आएगी ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर वैल्यू होती है आपकी के लैम्डा बाय डी, दोनों बराबर ही होते हैं, और इसकी वैल्यू होती है के लैम्डा बाय डी। अगर पूछ ले तुमसे कि ई क्या हो गया, ई नेट क्या हो गया, तो हर बच्चा बता सकता है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 k λ/d। ये वाला वाली बात बताई थी। नेक्स्ट चीज क्या बताई थी आपको, इनफाइनाइट वायर। नेक्स्ट चीज क्या बताई थी मैंने आपको, इनफाइनाइट वायर। तो इनफाइनाइट वायर में क्या हो जाएगा आपका, सुनो इनफाइनाइट वायर में क्या हो जाएगा कि आपको पूरा ऐसे जा रहा है, यहाँ पे कहीं ना मैंने रखा होगा पी पॉइंट। इस केस में आपका पैरेलल क्या होता है, 0 होता है। खास बात क्या है कि थीटा 1 क्या हो जाएगा और थीटा 2 क्या हो जाएगा, दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। जब फॉर्मूले में आप ऊपर वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हो तो आपका सिर्फ निकल के आएगा ई परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, दोनों जुड़ जाएंगे 2 k λ/d, और ई पैरेलल क्या हो जाएगा आपका 0। ये वाली बात मैंने आपको अच्छे समझाई थी और प्रूफ भी की थी पूरी। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट चीज आपने क्या पढ़ी थी, नेक्स्ट चीज पढ़ी थी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, पूरा समराइज कर रहा हूँ ऑन इट्स एक्सिस। तो मैंने इस तरह से डायग्राम बनाया था, मैंने बोला था कि सर देखो यहाँ पे एक्स पॉइंट पे आपका कोई पी रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल के आएगी। फॉर्मूला क्या आता है, इस पे एक्स रखा है, आर इसका रेडियस है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू एक्स अपॉन, साथ साथ में याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, r² + x² की पावर 3/2। दूसरी चीज मैंने यहाँ पे क्या समझाई थी, दूसरी चीज यहाँ पे समझाई थी कि आपका ई मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ निकलता है, ये निकलता है आपका एट x = ± r/√2 पे। मैं कह रहा हूँ कंटिन्यूस वाला जो टॉपिक हमने किया है ये पूरा टॉपिक बस इन 2-3 पेजों में आपका खत्म हो जाएगा। ये 2-3 पेज भी आप अपनी कॉपी में जब लिखो ना तो कोशिश करना ही जो 2-3 पेज में आखिरी में लिखने वाला हूँ ये आपके 1 या 2 पेज में आ जाए, इससे ज्यादा नहीं, आप 1 या 2 पेज में खत्म हो जाए तो जाना नहीं, फैस कहीं नहीं जाना, रुको चुपचाप 10 मिनट और, 10 मिनट नहीं 5 मिनट और। देखो सुनो, यहाँ पे ई मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू r/2 पे होती है, जब इसका ग्राफ बनाना होता है तो ग्राफ सवाल में पूछा जाता है आपका इस तरह से, ठीक है। अब सुनो, और यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से, ये ग्राफ मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे क्या होता है r/√2 होता है, यहाँ पे 0 होता है, और यहाँ पे r/√2 होता है माइनस का, और ई एट सेंटर पे क्या होगी आपकी, सेंटर पे आपका निकल के आता है 0। अब सुनो एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ यहाँ पे मैं, जो मैंने आपको समझाई नहीं है, पर सुनो, कभी कभी आपका सवाल पूछता है सेमी रिंग के, सेमी रिंग का मतलब आधी रिंग, सेमी रिंग की वजह से क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सुन लो क्योंकि सवाल आए हैं इसके ऊपर काफी, इसको मुझे प्रूव रूव कराने की जरूरत नहीं थी क्योंकि कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। सेमी रिंग हो गई इस तरह से, ध्यान दो, मैंने यहाँ वहां नहीं पढ़ाई थी तो जिसने ध्यान नहीं दिया, जिसने मतलब ध्यान नहीं दे रहा ध्यान दे लो, इसकी वजह से जो बच्चों निकल के आती है वो निकल के आती है इस तरह से, आनी भी चाहिए क्योंकि ऐसे टेढ़ी मेढ़ी निकल के आ जाए कट जाएंगे। इसका जो वैल्यू आती है वो आती है 2 k λ/, ये बिल्कुल उस तरह से इनफाइनाइट की तरह, इनफाइनाइट वायर का क्या होता है 2 k λ/r होता है, डी होता है ना, बस फर्क क्या है यहाँ पे, डी की वैल्यू आपको आर लेनी है, तो 2 k λ/r हो जाएगी इसकी वैल्यू नीचे की तरफ। दूसरी क्या होती है आपकी, दूसरी होती है आपकी क्वार्टर सर्कल या क्वार्टर रिंग, क्वार्टर का मतलब 1/4, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने वहां नहीं बताया था, जानबूझ के नहीं बताया था ताकि जो बच्चा क्लास आखिरी में छोड़ दे उसको मिस हो जाए, ऐसा नहीं है, मतलब क्वार्टर रिंग का मतलब हो जाएगा आपका इस तरह से। तो सुनो यहाँ पे क्वार्टर रिंग होगी इस तरह से, इस तरह से कोई क्वार्टर रिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे सेंटर होता है, तो यहाँ पे किस पे बता रहा हूँ, सेंटर पे बता रहा हूँ, ये दोनों सेंटर पे है, एक्सिस पे नहीं है, सेंटर पे है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सेमी इनफाइनाइट वायर की तरह, सेमी इनफाइनाइट मतलब एक इस तरफ होगी और एक इस तरफ होगी, दोनों परपेंडिकुलर होंगी। तो यहाँ पे सेमी इनफाइनाइट वायर की तरह क्या आ रही थी, k λ/r k λ/r, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी k λ/r, और यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी k λ/r। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल आया, नीट में 2-3 बार पूछेगा ये सवाल यहाँ से। इसमें अगर ई नेट पूछ ले तो फिर ई नेट भी आप बता सकते हो कि दोनों परपेंडिकुलर है तो √2 k λ/r आता है। याद करने का इसको तरफ याद रखो कि ये आपका कुछ इस तरह से आ रही है, ये आ रही है आपकी सेमी इनफाइनाइट वायर की तरह है, सेमी इनफाइनाइट वायर की तरह, तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, इनफाइनाइट वायर की तरह, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये इनफाइनाइट वायर की तरह, उस तरीके से आप याद कर सकते हो, इनफाइनाइट वायर की तरह। सर लास्ट का झेल नहीं पा रहा, वही होता है ना, जब पता होता है कि भाई खत्म होने वाला है तो दर्द उस टाइम ज्यादा शुरू होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये दर्द हसीन है। भगवान,
क्या निकल जा रहा है। ठीक है तो सुनो, नेक्स्ट क्या है आपकी, नेक्स्ट है आपकी डिस्क, नेक्स्ट है आपकी डिस्क। तो डिस्क में क्या हो जाएगा, डिस्क में हो जाएगा आपका, इस तरह से समझाया था मैंने, बस बस 5 मिनट का दर्द और 5 मिनट और सहलो, बस 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 बस, बस हो गया सर। वो बोल रहे हैं हो गया, क्या हो गया सर, लड़का हुआ कि लड़की हुई, ये शर्मो। ठीक है सर, हमने क्या बोला, आप ही बोले जा रहे हो। यही तो होता है ऑनलाइन में, खुद ही बोलता है टीचर, अपने आप ही खुश होता रहता है ऑनलाइन में। कैसे टीचर पढ़ाता रहता है, अपने आप ही बोल रहा है, अपने आप ही खुश हो रहा है यार, क्या मजा है ऑनलाइन में। लेकिन करना पड़ता है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूले क्या था, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ये निकल के आया था। बस इसमें फॉर्मूला याद करना है, बस बस थोड़ा सा और। लास्ट है आपका इनफाइनाइटली लार्ज, इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट, या प्लेट लिखा था मैंने, क्या लिखा था मुझे, या शीट लिखा था, सॉरी एक ही बात है, प्लेट और शीट। तो उसमें क्या आया था आपका, ऐसे ऐसे शीट बना दी आपने बहुत बड़ी सी, और यहाँ पे क्या निकल के आया था, सिंपल सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट निकल के आया था। कुछ नहीं किया था आपने, एक्स जीरो रख दिया था ऊपर वाले फॉर्मूले में। वीडियो देख के नोट्स भी बनाने हैं, हाँ भाई वीडियो देख के नोट्स बनाना है। चुप रहा भाई, मैं पढ़ाई जा रहा हूँ, मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें दिक्कत हो ज्यादा हो रही है साले। ठीक है अब देखो एक फॉर्मूला और देख लो, ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला होता है ना, क्रेडिट्स आते हैं तो क्रेडिट्स के बाद एक सीन आता है ना, मार्वल्स मूवी होती है तो उसमें क्रेडिट्स के बाद एक सीन आते हैं, तो वो मिस नहीं कर सकते। देखो वैसे आपको दो तीन चीज मुझे और पढ़ानी थी, पर मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो गॉस लॉ में पढ़ाऊंगा। ये सारी चीजें जो मैंने आज पढ़ाई ना, इनको मैं गॉस लॉ से प्रूव कर सकता हूँ, वो और छोटा तरीका है सर, प्रूव होना तो वही कर लेते हैं, आज क्यों इतनी पूरी लंबी चौड़ी क्लास। लेकिन चुप चुप रहो, एक है आपका हॉलो, हॉलो हेमिस्फेयर। हॉलो हेमिस्फेयर का मतलब क्या होता है, आधा स्फेयर। हॉलो का मतलब है खाली, यानी कटोरा जो तुम हाथ में लेते हो, ठीक है, खाना खा रहे टाइम पे। ठीक है ये हो गया, ठीक है बड़े मजे आ रहे हैं इंशा जी, तो आपको तो मजे ही आते हैं, आप पढ़ाई तो ना कर रहे हैं, आप तो मजे लेने आए हैं कि भाई किस किस को दिक्कत हो रही है। ठीक, जब उल्टी सीधी बात शुरू हुई और इंसान जी की, वही मजे आए आना शुरू। तो एक सेंटर पे, इस पे क्या होता है, इसमें एरिया होता है। तो अब दिक्कत क्या है, इस टाइम पे जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना तुम एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है इस टाइम पे तुम्हें जो भी पढ़ाऊंगा ना तुम्हें एक बार में सबको समझ में आ रहा होगा। मतलब कोई बच्चा अगर मैंने गलती से पूछा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गलती से भी कोई बच्चा वो नहीं करेगा, नहीं नहीं समझ में नहीं आ रहा सर, कुछ भी, कोई डाउट भी नहीं आएंगे किसी को, हाँ सर समझ में आ रहा है, इससे अच्छा तो आता समझ में नहीं आया। ठीक है तो इतना है, याद रखो मजाक अपनी जगह पे, पर आज हमने बहुत सारी चीज पढ़ी है, और थोड़ी सी हार्ड चीज थी क्योंकि बहुत मैथमेटिकल चीज थी आज की। इलेक्ट्रोस्टैट आसान नहीं, पहली बात समझ लो, लेकिन आसान बनाया जा सकता है अगर आपको समझ में आना शुरू जाए, उसको आप रिलेट करना शुरू कर दो। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, टॉपिक खत्म हो गया आज का, आज की क्लास में हमने पढ़ा कि आपका कंटिन्यूस चार्ज बॉडी, सर ठीक है ठीक है समझ में आ गया आपने क्या पढ़ाया, कंटिन्यूस चार्ज बॉडीज की वजह से क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग जगह पर। ठीक है तो आपने यूनिफॉर्म रॉड पढ़ा, इसका आपको ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद करने, ऊपर वाले फॉर्मूले अगर याद हो पाए तो बहुत अच्छी बात है। और नेक्स्ट आपने क्या दिखा, फिर आपका रिंग दिखा, ये रिंग का पूरा जितना लिखा है सब कुछ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका डिस्क, डिस्क का ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका ये फॉर्मूला तो खैर इंपॉर्टेंट है ही, किस तरह याद करने के लिए होता है वो भी आप याद रखना, और ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला नहीं भी समझ आया चलेगा, इसको हम बाद में वापस से पढ़ेंगे, आपका ये सारे के सारे प्रूफ हम गॉस लॉ से वापस करेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 का पार्ट है। आई होप कि आज की क्लास सबको, सब इंतजार करते थे इस लाइन का, आई होप कि आज की क्लास सबको समझ में आई होगी। आज हमारी क्लास 2 घंटे से ज्यादा हो गई, पर मेन मुद्दा यार ये सब नहीं, मेन मुद्दा है आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है आई होप कि सबको अच्छा समझ आएगा, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। और प्लीज मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया है, प्लीज वीडियो देखा करो, तुम्हारी वीडियो की तुम्हारे देखने की जरूरत है उसको, वरना मुझे उतना मोटिवेशन नहीं मिलता, तुम लोग वीडियो देखोगे नहीं, यहाँ पे 15 बच्चे अटेंड कर रहे हैं, 15 बच्चे वीडियो नहीं देखते, ठीक है, तो मुझे फिर वो मोटिवेशन नहीं मिलता है पढ़ाने का, मैं फिर यूट्यूब पे फालतू वीडियो डाल रहा हूँ। प्लीज फॉर द सेक ऑफ मी, अगर थोड़ा बहुत मानते हो तो थोड़ा सा वीडियो देख लिया अपन, ठीक है तुम्हारा फायदा ही होगा, और ये मेरी गारंटी है। चलो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टाटा गुड बाय, बाय बाय बाय। हाँ टाटा टाटा टाटा, पढ़ते पढ़ते टाइम का पता ही नहीं लगा।